रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfield in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. Their ground forces are shelling our defense positions in Sulaimanki, Hemkaran, Poonch and other sectors. कहते हैं कि जब इंसान की सांसें थमने वाली होती हैं, तब आप वो पल याद करते हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। कुसुम नहीं जानती थी कि ये उसके आखिरी लम्हे हैं या नहीं। उसके सामने उसकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लम्हे गुजरने लगे। और उसने किसको याद किया? मुझे, मैं, जिसकी वजह से उसका दिल टूटा, जिसकी वजह से वो टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो यहाँ थी। पर मैं हूँ कौन? पहले मैं ये बताता हूँ कि कुसुम गांगुली कौन थी। कुसुम गांगुली कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की इकलौती MBBS स्टूडेंट, ट्रेल ब्लेजर इन 1962। वो वक्त कमाल का, और वो भी कमाल की थी। समर ऑफ 62, कितना कुछ नया था। मार्वल ने पहली स्पाइडरमैन कॉमिक रिलीज की थी, रशिया ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजी थी, और चाइना ने इंडिया को जंग का पैगाम। कोल्ड वॉर से लेके कम्युनिज्म तक, और बीटल्स के बॉय चार्म से लेके विमेन्स राइट्स मूवमेंट्स तक, इट वॉज ऑल हैपनिंग इन कलकत्ता एंड इन आवर कॉलेज। और इस नए जनरेशन को रिप्रेजेंट करती थी तुम। क्या थी तुम, कुसुम गांगुली? हमारे कॉलेज की ओनली फीमेल MBBS, अकेले 200 लड़कों की क्लास में इतने कॉन्फिडेंस से आती थी। तुम पीछे हटने वालों में से नहीं थी, तुम सब कुछ बदलने वाली थी। अपनी फैमिली की पहली डॉक्टर बनने वाली थी, अपनी माँ को प्राउड करने वाली थी, और इन सब प्लान्स के बीच में तुम मुझसे मिलने वाली थी। यार दादा, दादा मिसेस जोन्स को था फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेटर। अभी जानी ना, आप ही रूम देखो, फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू। मिसेस जोन्स, साला अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है सब, किसी को पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं है, किसी गरीब की सीट मार के बैठा हुआ। I'm sorry to see that. Disgusting. वो उसका Brutus Maximus नंगा। Brutus Maximus? मैं ऐसे बोल सकती हूँ। तुम हंस रहे हो मुझ पे? कहीं नहीं मुझे देख के। ये सब वर्ड्स हम पे सूट नहीं करते। गुड गर्ल्स जैसे बात नहीं करती, गुड गर्ल्स वो नहीं करती। उफ कुसुम, इस बोरिंग बागची के साथ यहाँ रहोगी तो यार कुछ नहीं हो पाएगा। भाई माने की यार इकलौती लड़की हो MBBS में यार, और अगर इसके साथ रहोगे तो यार 5 साल निकल जाएंगे। यू जस्ट हेल्पिंग योरसेल्फ। ए ये कॉलेज है, मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, लड़कियाँ देखने नहीं आता। ए 5 साल में एक तो मिली होगी।
सुन मैं। सॉरी। तुम्हें पता है दुनिया में क्या हो रहा है? WHO ने कॉलरा को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया। इंडिया में ऑलरेडी 2-3 केसेस हो चुके हैं। गॉड नोस टिल व्हेन इट स्प्रेड्स एवरीवेयर। तुम डॉक्टर बनने वाली हो, थोड़ा ध्यान दो। ये किसका ग्लूटस मैक्सिमस, किसका बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सब मत सोचो। सॉरी मैं कड़े कड़े सो गई। चारू तो जाओ ना, सो जाओ। तुम्हें सीखना है क्या? हाउ टू वॉश बेड पैन। यस कॉमरेड, मैं सो जाऊंगी। ठीक है, चल तू। I can't handle this. I'm here. Achya, orientation. Okay. Thank you. Bye. सुन, किसी 50 डॉक्टर को पटा ले यार, मैं बोल रही सुखी रहेगी। नहीं चाहिए। Orthopedist? No. अरे who do you want? Name it. Just name it. All the teachers in the auditorium जो मुझे मेरे कोर्स के बारे में बताएं। Okay. चल। All MBBS boys and nursing girls, please assemble in the main orientation hall. MBBS boys and girl. P.S. I love you. Suni, मुझे ना उसका रिकॉर्ड चाहिए। मेरा फ्रेंड है ना, जॉयदीप, पायलट है विद ब्रिटिश एयरवेज। बारो गेट इट नो, द गैराज पार्टी विल बी अ स्वेल। द बीटल्स आर गॉड यार। और एक हमारा बॉम्बे का म्यूजिक। ईश, रोना धोना क्राइंग ना जाओ सैया एंड ऑल। वाओ, इंडियन चीजों को बुरा बोलने से आप क्या कूल हो जाते हैं यार। व्हाट द फक आर यू? नहीं पारो, शी इज माय बेस्टी, ये कसम। फैशन है तेरी ले ली। हां रियली। फर्स्ट ईयर MBBS. Oh, hello, doctor. Who Balo? 200 boys ki class mein ikloti ladki and also the first female MBBS student of a college. Fine in Calcutta. Wow. Kya fayda? Wastage. Sorry, wo meri friend ko jaldi se chubana nahi aata. Koi baat nahi. Aadat ho jayegi. Oh please. 2 saal mein na acche se ladke ko dekhkar sindoor khela karegi. Shubho, let's go. Agar ye 60s ka chehra hai na, to I am disappointed. अगर ऐसे सीनियर्स हैं तो आई एम डिसअपॉइंटेड। क्या बोले? फिर से ले ली। क्यों? एक्सक्यूज मी। ग्रीटिंग्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, welcome to Calcutta Medical College. And now I'm going to call upon my friend. First, let me give you a brief introduction about him. He is the topper of our college and he plays the guitar. So please welcome our student council president, Mr. Ranabir Chatterjee. तालियों के बीच में I was always happy. सारी लड़कियों की नजरें मुझ पे थी and I was just smiling at each and every one of them. I was the fucking Mona Lisa of boys. जिसे भी देखता हूँ उसे लगता है कि मैं उसी के लिए स्माइल कर रहा हूँ। और फिर मेरी नजरें तुम पे पड़ी। मिस, आप गलत जगह पर बैठे हो। That's the men's section. No, it's the MBBS section. Women's reservation quota कुछ नहीं आया। Merit. Topper हूँ। मुझसे ज़्यादा नंबर क्या किसी के नहीं आए? Oh, really? Last 8 सालों में। तो आपका कहने का मतलब है कि आप हम सबसे बेटर हैं? सिर्फ थ्योरी में ही हैं या प्रैक्टिकल में भी कुछ कर लेते हैं? सर्जरीज आर ऑल प्रैक्टिकल। करेक्ट। और खून? खून देख के कहीं बेहोश तो नहीं हो जाती आप? हो भी जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पकड़ लूंगा। गर्ल्स हर महीने ब्लड देखती है, more than men. The second most painful thing in the world is a dry socket. जब आपका tooth extraction होता है और दांत का दर्द उठते ही most men turn into babies. लेकिन most painful होता है childbirth, जो तुमसे नहीं हो सकता. So yeah, we have to be tough. मुझे लगता है कि आप ही यहाँ पर क्रांति लेकर आएंगे. देखते रहिए. देखने का तो बहुत शौक है ना, isn't it? And this college and its teachers have nurtured us, have encouraged us and given us their solid support. So guys, please welcome the faculty
and the Dean of Calcutta Medical College. How is she, huh? The professor. Suspense mat banana. Guys, Mrs. Jones ko leke main bahut. Ranbir, ek minute. By the way, I don't kiss and tell. I'll just be back. Oh, it's. Yes, sir. Suno. नया साल है, न्यू स्टूडेंट्स, हाँ, लेकिन इस साल नो हैंकी पैंकी, ओके? इस साल सिर्फ एकेडमिक एंड एथलेटिक एक्सेलेंस। देखा, मैंने कहा था ना मिसेस जोन्स, ये इतना ब्राइट स्टूडेंट है, एसेट टू द कॉलेज, हाँ, ओनली एसेट। टॉकिंग अबाउट एसेट्स, ये मिसेस जोन्स की वजह से तो हो रहा है सब कुछ। अब हम सब यहाँ इसीलिए तो खड़े हैं, इनके ट्विन एसेट्स, पेशेंस एंड मोटिवेशन, दैट फोर्सेस अस टू पुश हार्ड। I promise you, this year I'll push really, really hard. Come now, not now. Yes, ma'am. As you say. So I'm sure Ranbir jaise talented ladke ko motivation har jagah mein jaati hai. We're gonna get late, shall we? See you later, Rana. Chee. It was. Disgusting! Uma! What? His buttocks! Or wo? She's a teacher! How could she? Ranbir Chatterjee, legendary fucker. अरे कुछ नहीं हुआ है यार, वो रुकावट के लिए किए थे वो कुसुम कुमारी हाँ वो बेबी शायद उसे भी यही चाहिए था first day first you fucking bastard how dare you कुसुम के बारे में कुछ मत बोलना back off she's guys, a decent girl and a very good friend of mine एक एक मार दे इसको मार इसको कितनी बार मना किया था लोगों के बारे में बकवास नहीं करते हाँ सॉरी कुसुम वी गेट गाइस कुसुम है यार अभी तेरी दोस्त है क्यों चैटर्जी श्योर अगर उसमें इतना ही टैलेंट है यू शुड स्प्रेड इट अराउंड ना चारों दैट इज ग्रॉस कुसुम पिछले एक साल में मैंने एक बात जान ली है रणवीर के साथ सेक्स इज लाइक राइट ऑफ पैसेज उसके बिना इस मेडिकल कॉलेज से पास ही नहीं हो सकता नो वंडर इंडिया में मेडिसिन की हालत इसलिए इतनी खराब है दूर रहना सदु एब्सोल्युटली रिलैक्स मैन किसी और की चीज को लेने में जो मजा आता है ना गाइस पहला दिन कैसा था? यार की बोल वो, don't even get me started. अच्छा वो छोड़ो, तुम्हें पता है जॉन एफ कैनेडी के बर्थडे पे किसने परफॉर्म किया? किसने? The famous Marilyn Monroe. हाँ. उसकी लाइफ जितनी अमेजिंग है, इतनी ट्रैजिक भी है. बस तो यही. डाब चिंगरी मटन कोशा रसगुल्ला मिष्टी दही माँ व्हाट इज ऑल दिस देख ना रतन इसका फर्स्ट डे था इसलिए सेलिब्रेशन किया और ये है तो ऐसी बातें कर रही है आज पहला ही दिन था डॉक्टर तो बने दो देन डू ऑल दिस काकी माँ वांट टू सेलिब्रेट लेटर ना एक तुम्हें ही वैल्यू है रतन पोष तो यम माँ थैंक्स वैसे मिसेस शौकार और मिसेस पीटर आने वाले हैं तुमसे मिलने रोज तो मिलते हैं आज नया क्या है डॉक्टरी कर रही हो दे वांटेड टू कांग्रेचुलेट आप पहले ही मूड ऑफ है और अब बाकी सब आके वही एजी कुसुम एशी केची मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनेगी ब्ला ब्ला मूड ऑफ क्यों दैट रणबीर उसके बारे में बात मत करो लॉकर रूम में कैसी कैसी बातें कर रहे थे आई हैड टू स्टॉप हिम कौन क्या बोल रहा था लीव इट ना दे आर रास्कल्स सर्जिकल स्टूडेंट्स चारू बोले सबके सब एरोगेंट क्या बोल रहा था वो बॉयज विल बी बॉयज बॉयज विल बी बॉयज बोल के माफ कर दूं व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ कौन हु थिंक्स हु इज ही मैंने उसको बोल दिया कुसुम से दूर रहना पर तू मेरे बॉडीगार्ड कब से बन गए आई सेड कौन व्हाट आर यू हाइडिंग हाइडिंग लड़कों का नियत क्या होता है जानिश ना आई एम ट्राइंग टू बी केयरफुल डोंट वरी मैं आपकी तरह सेम मिस्टेक नहीं करूंगी मैं आपकी तरफ कोई गौरव रॉय को अपने लाइफ में नहीं आने दूंगी
मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा। काकी माँ, I'll talk to her. क्या था ये सेलिब्रेशन? डॉक्टर बन रही हूँ, बिग डील। उनके लिए इट इज अ बिग डील। बचपन से तुम्हें अकेले पाला, कभी किसी चीज की कमी नहीं रखा, और देखो अब तुम डॉक्टर बनने जा रही हो। इट इज अ बिग डील। ये मिसेस सरकार, मिसेस पीटर्स, जो आज इतनी एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए। तुमको पता है उन्होंने बचपन से मुझे क्या बोला है? They used to call me a little bastard. मैं माँ की गलती से सीख रही हूँ। मैं और मैंने सीखा है कि मैं माँ की तरह किसी भी लड़के को अपनी जिंदगी खराब करनी नहीं दूंगी। I won't be helpless like Madhu Ganguly. तुम helpless क्यों? तुम्हें कोई लड़का छोड़ के नहीं जाएगा। तुम्हें जो प्यार करेगा वो मेरे लाइफ में, मेरे गोल में कोई रणबीर चाटर्जी जैसे लड़के की कोई जगह नहीं है। मैन आर अनइंपॉर्टेंट, दे आर यूज़लेस। ब्लेम इट ऑन रणबीर। कुसुम, तुम्हारी लाइफ की किताब का नाम यही होना चाहिए था। तुम मुझसे जो मिले बस वहीं से सब कुछ बदल। कुसुम गांगुली, न जाने तुमने क्या स्पेशल था। आई वॉज हुक्ड एंड बुक्ड। तुमने अपनी लाइफ में कितना कुछ प्लान किया था, अपना एजुकेशन, अपना फ्यूचर, बट लाइफ ने एक गुगली तुम्हारी तरफ फेंकी थी, मी। कहते हैं ना, लाइफ हैपेंस व्हेन यू आर बिजी मेकिंग प्लान्स। तुम्हारे प्लान्स में आके लाइफ अटक गई थी, या ये कहूं रोनो अटक गया था। Yes, ma'am. चारुलता, उसने मुझे यहाँ मिलने के लिए बोला है। सॉरी मैम, बट यहाँ सिर्फ मेंबर्स और उनके गेस्ट को अलाउड है। ये प्राइवेट क्लब है मैम। ओके। जाने दो उसे, वो मेरी गेस्ट। यार, it was the 60s. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी तो अब जाकर लोगों को पता चलेगा, पर उस वक्त तो हम सेलिब्रेट करते थे विद द वर्ड कैसानोवा। एंड आई वाज अ हैप्पी हैप्पी कैसानोवा। कुसुम, मेरी आंखें आए। सॉरी। ट्राई योर ड्रिंक। थैंक्स। देख सकते हैं। आई वाज जोकिंग। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर डन, कवर कर लो। ओनली इफ यू आर डन। शायद मैं गलत जगह आ गई हूँ। ओह एक्चुअली, तुम जिंदगी में पहली बार सही जगह पर। चारू एंड फ्रेंड्स, वो फर्स्ट फ्लोर पे अमेरिकन डाइनर, वहाँ पर है। आई कैन टेक यू इफ यू वांट। Cheers. सुनो, दिख रहा है। Really? तुम्हारा एफर्ट, स्टाइल मारने की कोशिश मत करो, दिखता है। You know why I like this drink? It's a perfect mix of sweet and sour at the same time. It's actually perfect. But I think location change karni chahiye. जुक बॉक्स के लिए मेरे कॉइन्स वेस्ट करना बंद करो। रिक्शा के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अच्छा, लिसन, द गवर्नमेंट इन एवरी हेल्थ सेंटर फॉर 5 पैसा दे सेलिंग कंडोम्स। गया मेरा पॉकेट मनी।
हम इस सुविधा का लाभ कब उठाएंगे? शादी के पहले सेक्स ही करना है। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इज टू एब्स्टेन। सुना है कि अमेरिका के कैनेडी गवर्नमेंट ने एक बिल बनाई है, तो औरतों को अपनी बॉडी पे अपना कंट्रोल है, मर्दों का नहीं। हॉर्नी पिल्स फॉर सेक्स, वाओ। आई एम सीरियस। हेलो लेडीज, आज मेन्यू में मेरे लिए कुछ नहीं है। यू ट्राई दिस ना, वी हैव ऑल द वैरायटीज। तुम ये पूरा खा सकते हो, मैं झूठा नहीं खाती। डॉक्टर हो के इतना मैं? डॉक्टर हूँ इसलिए, I don't want your germs or your illnesses. Then you must be a big fan of the rubber. Of course, but I wish it could eliminate assholes like it eliminates STDs. Shakespeare ने कहा था, the lady protested too much. श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, जितना पता है उतना बोलो, डॉक्टर और लिटरेचर को मिक्स मत करो, जबरदस्ती लगता है, हटो। बस यही यही एटीट्यूड तो मेरा कत्ल कर रहा था। तुम्हारी हर बात में एक सॉफ्टनेस थी कुसुम, और उस सॉफ्टनेस में एक चैलेंज। तुम अलग कॉन्कॉक्शन से बनी हुई वो दवा थी कुसुम, एंड आई वाज अप फॉर द चैलेंज। आई विश ऐसा नहीं होता, आई विश हमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का जोश नहीं चढ़ता। आई विश कि हम एक दूसरे से नहीं मिले होते, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आता तो आज 9 साल बाद तुम अपनी डेथ को फेस नहीं कर रही हो। पर क्या करें, जनाब लियो टॉल्स्टॉय की जिस किताब से तुम चिपकी रहती थी वही कह गई थी, मोहब्बत और जंग में सब जायज, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। कुसुम तुम्हारे फोन इश्चे। हाँ काकी मां, आश्ची। डॉक्टर बन गए तुम, ऑलरेडी ऑन कॉल। सॉरी मिसेस पीटर्स, मैं बोल दूंगी कितनी लेट कॉल नहीं करे, सॉरी। हेलो कुसुम कुमारी। चारू इतनी लेट क्यों कॉल किया? ग्रुप स्टडी के लिए आ जाना प्लीज। क्या ग्रुप स्टडीज? मुझे मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। मैं नहीं आ रही अभी। आ जाना प्लीज। नहीं चारू, आ जा प्लीज। अच्छा ओके, एड्रेस लिख। ये तो कॉलेज के पीछे वाले गोडाउन का गैराज है, उसको पार्टी वेन्यू में कन्वर्ट कर दिया। चारू यू फ्रॉड, ये ग्रुप स्टडीज है, पूरा कॉलेज है यहाँ। Isn't this just crazy? Sit. No, it is not. चारू झूठ बोल के बुलाया, मेरा एग्जाम है कल। Now it's time to relax, Missy. You relax. मुझे फेल नहीं होना है। Girls, he was right. Who was? Ronnie. Look what the cat dragged in. You were invited. I mean, I'm very happy that you're here. अब जब तुम यहाँ आई गई हो तो enjoy the party. मुझे पढ़ना है। You were right, Ronnie. She is a boring auntie. Exam से पहले पढ़ना is not cool for you. पर मेरे लिए है। And I know how to have fun. Yes, she is fun. She is about to sing. No. No. Yes. No. Yes. Ladies and gentlemen, boys and girls, अब Miss Kusum Ganguly हम सब के लिए एक गाना गाएंगी।
बिल्कुल प्रूव नहीं है। आई न्यू इट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। या इट वाज फन। जाने देना उसे, अपने आप को कैसे नवा समझता है। चल बहुत हुआ, घर चल। सुजू, हाय, सरप्राइज? गुड सरप्राइज या बैड सरप्राइज? कलकत्ता में काफी ठंड हो गई है ना? मुझे माँ ने बोला कि इसे अपना ही घर समझो, so I thought, why not just drop by? What a beautiful surprise! And I smell alcohol. थोड़ी सी, it's like a gentleman would. Dad, go and tell him. He thinks I'm a virgin. You know how we love the Beatles in Kolkata. Wanna be my fans ko kabhi bhi naraaz nahi karta hai, toh maine apna garage khol diya. And then we had the most amazing party. Ladkiyon ko loosen up karne ka bahut acha tarika hai. Par mujhe jo ladki pasand hai, wo bahut tough hai. Bas bas, you're sloshed. That's how the Brits would say it, isn't it? Have you heard Alice's new song? It's made for us. Da 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 da. Whoa! How was that? You're drunk. Of course I am. But. क्या सोचा था? तुम्हें पता है, जब किसी को प्यार करते हैं तो उसे ये बोलने की जरूरत नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बोलते हो और मैं करती हूँ। Are you serious? Look into his eyes. Do you see little hearts bursting? It's love. Full of love. It's love. कल माँ बाप आ रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, तब तक उतर जाएगी। तुम्हारे माँ बाबा को इम्प्रेस करना हमारा पोरम धोरम है, हम मैनेज कर लेगा। आई विल नॉट डिसअपॉइंट। हाँ हाँ, बस बस ये ओवर एक्टिंग करके रखना, ठीक है? नाउ
हमें? I don't need your apology. अगर आपसे MBBS handle नहीं हो रहा, we can. सुकून है हवा में, सुकून है. What are you thinking of? Right. Zaroorate ban gayi hai. Time up. Leave the premises, please. Time's up. Very disappointing, Miss Ganguly. बाबा, रणबीर चटर्जी, यू मीट मी आउटसाइड, यू मीट मी आउटसाइड. हे, तुमने बताया नहीं तुम पार्टी से क्यों चली गई? तुम्हारे वजह से मेरा एनाटॉमी का पेपर खराब गया है. एनाटॉमी का? मैं सिखा रहा हूँ. वैसे भी सब मैं कोई सिखाता हूँ तो कुछ बोलता हूँ. बोल रहा है? हर बात पे स्लीज़ी. तो मजाक लगता है ये? अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो ना? जानती नहीं हूँ बाकी लोग कैसे जीते हैं. मैंने पूरी जिंदगी इस MBBS के लिए पढ़ाई की है और मैं इस कॉलेज की ओनली MBBS फीमेल स्टूडेंट हूँ बिकॉज आई ऑलवेज एक्सेल. आई वर्क हार्ड एंड आई एक्सेल. जोक नहीं है मेरे लिए ये. डांस पूरा क्यों नहीं किया यार? यू आर सो गुड. नहीं, सब चीज़ के लिए टाइम नहीं मेरे पास. मैं टॉप करूंगी और मैं पहली फीमेल MBBS बनूंगी. एंड बाय द वे, मुझे दुनिया बदलना है. तुम लोगों की तरह लंदन न्यूयॉर्क नहीं जाना है मुझे. इंडिया में चेंज लाना है, कुछ करना है. और मैं रोक रहा हूँ तुम्हें? नहीं. तो घर से उठा के तो मैं लेके आया था पार्टी? नहीं. पार्टी में मैंने रोक लिया होगा तुम्हें, घर जाने नहीं दिया होगा पढ़ने के लिए? नहीं. तुम्हारी ड्रिंक में पक्का मैंने अल्कोहल डाली होगी. आई हैव बीन कॉल्ड एन एस्ट्रो फॉर दैट सो मेनी टाइम्स. तुम जब टेस्ट लिख रही थी तो तुम्हारा पेन चोरी किया था मैंने या तुम्हारे ऊपर जादू करके अपनी शक्ल दिखा? हाँ, यही किया था तुमने. नहीं, तुमने जवाब नहीं दे पा रही हो. सोच लो, जाना है. मिक्सिंग कब है? मिक्सिंग की प्रॉब्लम है. यो जैक, क्या ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय? यू आर द डल बॉय. तुम्हारी प्रॉब्लम ये कि तुमने अपनी पूरी लाइफ में एक गंदी सी बेकार सी नॉवल की तरह लिख दी कि जो स्मूदी है ना गलत मिक्स हो गया. मिक्सिंग की प्रॉब्लम. यो जैक, ये डल है, तुम डल हो. परफेक्ट, आई फिगर यू आउट. मैं जैक होके ही खुश हूं. मैं तुम्हारी तरह किसी का हाथ छूटा ही नहीं कि दूसरे के लिप्स पे चिपक गए. फन है ना? हाउ डू यू नो? चारों उल्टी कर रही थी ना, तुमने मुड़के देखा था इसरा? मैं वो तुम नजर में आ गए थे. रियली? नजर में तो तुम भी आ गए थे. तुम्हारी ब्लू ड्रेस, तुम्हारी आंखों को काजल, तुम्हारे बालों की खुशबू. जब तुम नजर नहीं भी बना रही थी तब भी मेरी नजर में. तीन बार उड़ के देखा तुमने मुझे. वो चारू को मैं कसम पूरा कॉलेज छान मार लिया तुम्हें ढूंढते हुए. यहाँ क्या कर रही हो अभी इसके साथ? चारू को मिलना ही थी. मुझे कहा था ना मैंने इससे दूर रहने के लिए. स्मूदी पी रहा हूँ यार. रोनी, इमरजेंसी. कुसुम रतन, तुम भी चलो. हेल्प जल्दी. हॉस्टल. क्या हुआ इसे? शी इज प्रेग्नेंट.
She tried to self-abort with this hanger. Shubham, I need clamps, forceps, 10 milliliters of halothane, okay? Don't forget to get syringes and gauze. Quickly. This is not legal. We can't do this. So, yahan khada rahega ki help karega hamari. Ise hospital leke chalte hain. Hospital nahi. Baba baar karenge mujhe. Sabko pata chal jayega. Police case ban jayega Ratan. Aur formalities ke chakkar mein ye chali jayegi. Kusum, hold her down. Listen. I can't do this without you. I need your help. Aur mere paas waqt nahi hai. तो ऐसे कह रहा है जैसे ये सब रूटीन है। हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। कुसुम फर्स्ट ईयर में, तू उसे क्या करवा रहा है? हमारी पहली जिम्मेदारी पेशेंट्स होते हैं। अगर वो मर गई तो? मैं ये सब नहीं जानता। मैं जज नहीं हूँ यार, डॉक्टर हूँ। और कुसुम को बीच में मत ला। अभी तुमने कहा ना, हम डॉक्टर है जज नहीं। सही क्या है, गलत क्या है, किसी और को सोचने दो। फर्स्ट ईयर में निकाली जाओगी कुसुम। रणवीर, कभी भी तुम में से किसी को भी हेल्प की जरूरत हो तो मेरे पास आना, ओके? आई विल हेल्प यू। ऐसी स्टूपिड हरकत करने की जरूरत नहीं है। आई एम इम्प्रेस्ड डॉक्टर, गुड जॉब। अनवेड मदर्स इस सोसाइटी पे कर्स होते हैं। सोसाइटी उन्हें जीने ही नहीं दी थी। गलती दो लोग करते हैं और फंसती सिर्फ लड़की। हमारे इस महान देश ने अबॉर्शन को इलीगल जो कर रखा है, एंड दैट्स व्हाई लड़कियां ऐसी हरकतें करती हैं। हर देश की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, पर हम तो इतने सिविलाइज्ड हैं कि लड़कियां यहाँ पर अपनी बदनामी के डर से अपनी जान रिस्क करने को तैयार। मेरे हिसाब से इंसान की जिंदगी बहुत जरूरी होती है। रॉनी, मैं ये सारे सप्लाईज वापस रखने जा रही हूँ। तुम मत जाओ, हॉस्टल सुनसान होगा। आई टेक केयर ऑफ इट। और मैं आई स्टे विद शर्मिला इन केस शी नीड्स एनीथिंग। मैं निकलती हूँ, लेट हो रहा है। कसम, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। घर जा रही हो? नहीं, मैं तो यहाँ की नाइट वॉचमैन हूँ। चलो तो मैं घर छोड़ देता हूँ। नो, इट्स ओके। देखो रात बहुत हो गई, तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ मैं। चलो। ओके। तुम अक्सर ऐसे जोक्स मारती हो कि मैं स्पेशल हूँ? फनी। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए फॉरेन कार, सच अ क्लीशे। उससे बेटर क्लीशे भी है, ये फॉरेन कार बाबा के पैसे से खरीदी। आई एम ग्लैड तुमने उस खादी कुर्ते को मना लिया, नहीं तो वो सीधा टीचर्स के पास जाने वाला था। ऐसा मत कहो, उसके लिए आसान नहीं है ये। इन फैक्ट मर्दों के लिए आसान नहीं है ये, बट फॉर यू इट वॉज। तारीफ कर रही हो? नो, ऑब्जर्व। तुम सच में उसकी हेल्प कर रहे थे, बिना सवाल, बिना कोई जजमेंट। इट्स रेयर। सेक्स दो लोगों के बीच में होता है, तो फिर किसी एक को जज करना इज अनफेयर। यू कांट होल्ड अ वुमेन्स बायोलॉजी अगेंस्ट हर, राइट? बट आई कैन अंडरस्टैंड अगर रतन को ये बात समझ में ना आए। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी में कभी कोई लड़की मिली नहीं होती है। I'm sure you know what I'm talking about, right? See, I just understand sex. Sex, sirf sex hota hai. And I'm okay with it. More than okay. Of course. Choti si zindagi hai, yaar. And so many flavors. Kuch bhi. Listen. Aaram se baith ja. Ye books peeche rakh tu. Khaa nahi jaunga tumhe main. Shit, disgusting. ये
Relax, it's just a magazine. It's... उसमें articles भी होते हैं. I buy them for that. Men are disgusting. हाँ तो हमारे बिना manage कर लो यार. Actually, you know what? इसमें वो भी सिखाते हैं with proper instructions. Hassle-free, problem-free sex. Try it. Stop. Stop the car. I wanna get off. मैडम, बैग, बुक्स. तुमसे ये उम्मीद नहीं थी. What? तुमने तो कहा था कि हम डॉक्टर्स हैं, जज नहीं. इतना लेट अकेली आई है? नहीं, वो रतन आया था छोड़ने. ये अच्छा है, मुझे जज कर रही थी और खुद मैगजीन में लगी हुई. प्लीज गेट आउट ऑफ माय हेड. बिजी हो? कुछ पसंद आ गया? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ. मैं तो आर्टिकल्स पढ़ रही थी. ऑफ कोर्स, व्हाटएवर टर्न्स यू ऑन. यू I am so sorry, MC. God, so good to see you, young man. Fine. Pulao, bhai, pulao. Lijiye, lijiye, aapki drink. There was an emergency. Aur phir, jab professors nahi hote, to finally students ko sab kuch sambhala. I am so sorry, I'm so late. No. You know, I believe ki jitni experience mile, kam hoti hai. You know, uncle, this is what I admire about you. I hope कि मेरी ज़िंदगी में मुझे इतना मौका मिले कि मैं आपके जितना एक्सपीरियंस गादे कर सकूं. If I'm not wrong, अपने साल में आप पहले सर थे. Not bad. और उसके बाद पूरा इंग्लैंड सर के पीछे था. फोटोग्राफ. So I like the fact that you've done your homework really well. So now I know why Shatha loves you so much. She does. Come on, Dad. Ronnie, तुम्हारा रूम किधर है? I wanted to use the washroom. Second door on the left. Second door on the left. Very nice. Pratt? You girls don't be too long, okay? Sure, Dad. Pratt, stop eating. Doctor साहब, रोनो की नजर में सिर्फ सुजाता अटकी है. वरना इस शहर की सारी लड़कियां इसके पीछे पागल हैं। हर माँ को अपना बेटा लाडला ही दिखता है। और हर उसी लड़के की बाप की तरह मेरे बाप को भी यही लगता है कि मुझ में बहुत खामी है। And before my dad spills any more beans, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझ में बहुत कमी है। हमें तो कोई खामी नहीं नजर आती। Thank you, auntie. Don't encourage him, भाभी। हमारा इतना बड़ा मकान है दार्जिलिंग में और उसको डॉक्टर बनना है. हमारी कोठी छोड़कर फ्लैट में रहता है. भाई साहब को बैचलर बैट चाहिए। बाबा, आपकी कोठी और आपकी बागान में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अंकल, tell me one thing। एक आदमी को सरवाइव करने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है? That's all I want. I don't want all of this। ये एक आदमी की जगह है। बाबा, आपकी कोठी और आपका बागान लिटिगेशन में है ना? I mean, आपकी लड़ाई चल रही है ना कोर्ट में काका के साथ. और बाबा वाला अटैचमेंट भी नहीं है मुझे इंडिया के साथ. बाबू लोगों का करप्शन, सब जगह गरीबी, भुखमरी. चाइना ऑलवेज threatening to wage war. And now on top of that, these communists talking about revolution.
डैड काका से पहले ना ये कम्युनिस्ट आपका दार्जिलिंग आपसे छीन लेंगे, टेक इट इन राइटिंग। क्या राहुल, क्या बात हो, सही है चारू जी, तुम इन यंगस्टर्स को नहीं रोक सकते। रोनो वुड बी सो कंफर्टेबल इन लंदन, यहाँ सब कुछ बहुत साफ सुथरा है। एक माँ लंदन, एक माँ यहाँ पर। हाय 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 हाय, सच अ चार्मर ही इज यार। रणबीर के अलमारी में जगह बनाना और उसके दिल में जगह बनाना टू डिफरेंट थिंग्स दी। कैन यू बी क्वाइट ब्रैट, मम्मी डैड नहीं जानते कि मैं उसके पैड में रहती हूँ। दे स्टिल थिंक आई लिव विद यू इन योर डॉर्म। व्हाट्स इट, मेरा ओपिनियन मैटर भी करता है क्या? मैं तो हिप्पी हूँ ना। वो तो तुम हो, बट सीरियसली व्हाट्स इट, तुम लड़की हो या कमोडिटी जो रणबीर चैटर्जी के लिए इतना पॉलिश हो रही है? Love doesn't need lipstick and blush, Dee. But my lipstick needs the love. Madeline Red, I love you. Don't you feel bad, okay? And I love him. मुझे उसके लिए सजना सवरना अच्छा लगता है। अभी इसमें फेमिनिज्म कहाँ से आ गया, Pratt? आया नहीं दी, फेमिनिज्म मर गया इस मोमेंट पे। इमेजिन तुमको सजना सवरना जरूरी है टू प्रेजेंट योरसेल्फ, पर वो मुंह उठाकर चला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 5 साल से वेट कर रही हो उसके ग्रेजुएशन का, हर साल 3 बार आ जाती हो उसे लंदन से मिलने के लिए। What does he do in return? वो सोचता भी है क्या आपके बारे में? Of course he does, Pratt. और मैं यहाँ माँ बाबा की परमिशन से आती हूँ, जैसे तुम जाती हो अमेरिका हर साल और अपने दिमाग में ये फेमिनिज्म का कचरा भरकर आती हो। यू हैव योर प्रायोरिटीज, Pratt. सो डू आई, जस्ट गेट दैट स्ट्रेट, ओके? कभी सोचा जब तुम लंदन जाती हो तो ये जनाब क्या करते हैं? I saw Pull Boy magazine in his car. He's a playboy. उस magazine में articles भी छपते। अगर तुम्हें ये लगता है कि रणबीर चैटर्जी से articles और अपने political views के लिए पढ़ता है, तो तुम उसकी doormat बन के रह जाओगी। Hey Prat. Hey. Wow. Doormat. तुम्हारी बहन न्यूयॉर्क में यही सब सीखने जाती है? गालियाँ तो लंदन में ही सीख ली थी। Why do you still keep those magazines with you? हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर है, उनकी कंप्लेंट है कि उनकी यू नो लाइफ थोड़ी सी ठंडी है, एंड बाय लाइफ आई मीन हिज वाइफ। तो उनकी लाइफ में गर्मी भरने के लिए आई फिगर दैट आई नीडेड टू गिफ्ट हिम सम स्टफ। इमेजिन, यू डू रियलाइज दैट यू आर वन गॉर्जियस वुमन। I can't wait to start my life with you in London. तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक टिकट हूँ लंदन जाने के लिए। You know you gotta stop listening to your sister. Are you stupid? जिनके पास सजाता नहीं होती वो लंदन नहीं जाते क्या? Sweetheart, my dad has enough. I mean I don't know कि उसमें से मुझे कितना मिलने वाला है, but I really don't care. मुझे तुम्हारे डैड की और अपने डैड की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड माय डैड्स मनी। ऑफ कोर्स या, आई नीड अ लिटिल पुश। योर डैड्स रिकमेंडेशन। दैट्स अबाउट इट। आई एम गोना मेक माय ओन लाइफ। वील स्टार्ट। Hassle-free, problem-free sex. Try it.
कुसुम मेरे सपने देख रही थी और मैं लंदन के। कुसुम मेरा आज का एंटरटेनमेंट थी, पर सुज्जू That matters to me. Really, Ronnie? Chanel number 5, right? Of course I do. You're so sweet, Ronnie. लड़कियों को कभी disappoint नहीं करना चाहिए। कुसुम के लिए मैं उसके सपनों का charming devil था। I was happy to oblige. और सुजाता के लिए मैं उसका charming angel. And I was happy to oblige. क्या है? हर लड़की मुझ में ideal man को देखती थी, और मैं उन्हें मना करने वाला कौन होता हूं, राइट? Did he ask you? गट्स ही नहीं है उसमें। विश मैं ही उससे पूछ सकती। मैं पूछू? हाँ, मैं जा रही हूं। प्रॉम नाइट, एक ऐसी रात जो हर लड़की को ये बिलीव करवाती है कि उसका प्रिंस चार्मिंग आएगा और उसे परियों के देश में ले जाएगा फॉर हर हैप्पीली एवर आफ्टर। बट हमारी कुसुम, शी वाज डिफरेंट। शी हैड ग्रोन अप बिलीविंग दैट देयर विल नेवर बी अ प्रिंस चार्मिंग फॉर हर। तो कैसे चल रही है डाइटिंग? पारा का ड्रेस बैकलेस है और शुभ का शॉर्ट कॉम्पिटिशन टॉप है। आई वांट अ शेक चॉकलेट। चल चल, वन चॉकलेट शेक प्लीज। अच्छा, वो पालो। व्हाट? किसके बारे में सोच रही हो? रणवीर? भूख से तुम हैलुसिनेट कर रही हो। टिपिकल सिम्टम्स यू नो। डोंट ईट योर मदर हाउस केक्स। हमेशा आप जानी, ये सब प्यार के सिम्टम्स है। पागल ना कि माता खराब। तुम अकेली लड़की नहीं हो। Half of the college loves him. I'm not like half the college. मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. All he is interested is in. He's a rascal. और मैं. Fine. Infatuation है. चला जाएगा. देखते हैं. वैसे, prom night is an important night. पिछले 4 साल से रोनी उसी के साथ जाता है, जिसके साथ he wants to go to bed. Bed. Money, sex. Oh, my poor little virgin. घबरा गई? Wished Kusum stuck to her beliefs. Wished कि उसको पता होता कि मैं कोई prince charming नहीं हूँ, who's vying for a spot in her heart. I was just very good at pretending that I was. रतन, भाल लग. रतन करेगा तो भालो लग. But it's me, sweetheart. It's a lucky day. Hey, Charu. प्रॉम चलोगी मेरे साथ? मैं? I am not going. Oh come on. अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? To bed? Half the college? देखो, ये तुम्हारी पहली प्रॉम नाइट है। और पहली नाइट कोई नहीं बोलता। और रोनो के साथ? Definitely not. ये तुम्हारी डबल मीनिंग बातें ना, मैं सब समझती हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम है। और तुम्हारा 10, 100, 1000? तुम्हें सिर्फ सेक्स चाहिए और उसके लिए तुम्हें बहुत मिल जाएगी यहाँ पे। वर्जिन्स, सो बोरिंग ना? तूने कल सीधा सीधा रोनी को मना कर दिया। तेरे पास 2 दिन है, सोच ले। लड़कियां मरती है रोनी के साथ फर्स्ट टाइम के लिए। यू को ऐसा फिर इतना बुरा लग रहा था? मैं सोचा 1 मिनट नहीं बिता सकती पूरी रात। इम्पॉसिबल। चांस मिल सकती है? हाय, आप रणवीर के दोस्त हैं? डिपेंड्स। यस वी आर। सुजाता। कुसुम। चारू। मैं रोनी की दोस्त हूँ, क्लोज फ्रेंड। सो उसका बर्थडे है और मैं उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी थ्रो करना चाहती थी।
रॉनी के और दोस्त कहाँ मिलेंगे? पारोमिता, वो भी अच्छी दोस्त है. थैंक यू. यार रॉनी ने कितनी हॉट माँ छुपा के रखी थी. शी इज सो एग्जॉटिक ना. आई डोंट केयर. यार तो तू बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगी? जाऊंगी, पर रॉनी के लिए नहीं, उसके लिए जाऊंगी. आई लाइक हर. तो तू सुजाता के लिए बर्थडे पार्टी में जाएगी, राइट? नॉट बिकॉज यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मच रॉनी लाइक्स हर, राइट? चारू यार टू मच. ऊपर से तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो कुसुम, ये तुम भी जानती थी और मैं भी कि उस पार्टी में तुम सिर्फ मेरे लिए आने वाली. मेरा वाला जीत रहा है. वेट एंड वॉच, एक लैप और पड़ा. हां देखते हैं. क्या बर्थडे प्लान्स रॉनी? चल सकते थे यार कहीं बाहर. नहीं यार, यू नो माय आइडियल बर्थडे, होम स्वीट होम, बहुत सारी दारू एंड यू. वैसे दारू तुम रिप्लेस कर सकते हो. हम कहीं नहीं जा रहे और दारू मंगवा लेंगे बस. ओह यार दैट रिमाइंड्स मी. अभिनंदन, मेरा क्रेट रेडी? यस सर. दैट्स माय मैन. ही गॉट इट. Hey, he did it. Yes. I had a great time at the pool, guys. I'm dying to have a good bourbon on the rocks. Yaar, main to ab sona chahta hu. Lekin hum tujhe sone nahi denge. What a f***ing good actor, man. I love John Travolta. Yaar, ye light ka switch kidhar hai, Ronnie? Living room to your right. Great, mat gira dena. All right, boys. Okay. It's just us. Aur koi nahi. Yes. Yes. Oh God, मुझे surprises बिल्कुल पसंद नहीं. जैसे surprise देने के चक्कर में कोई चोरी पकड़ना चाहता हूँ. पर जब surprise हो ही गए हो, तो just smile and be normal. Happy birthday, baby. Sweetheart. Come. Happy birthday, Ronnie. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you, Ronnie. Thank you. Shubho. So guys. रॉनी अभी आया है, लेकिन उसका वर्ल्ड फेमस पंच बार के काउंटर पर ऑलरेडी रेडी है. Really? रॉनी ने मुझे इसका सीक्रेट कुछ साल पहले ही बताया था. इसमें है बहुत सारा अल्कोहल और जूस बस नेम से. Prats, can I have some music? Oh, Prats is here. This should be fun. His girlfriend? तुम इतना possessive क्यों हो? तुम्हारा boyfriend थोड़ी है. I would love to be his girlfriend. Oh please, come on. Sujata is so hot. Sujata? You know how I feel about surprises, don't you? Of course she knows, है ना Suju? Cause इस surprise में तुम्हारा surprise होना इससे ज़्यादा possible था, right? Seriously, सभी लड़कियाँ तुम्हारे बारे में बात कर रही हैं. तुम्हारा murder plan हो रहा है. Almost चार groups हैं. Anyway. I think I'm going to go and have the famous Ranbir punch. She definitely has a crush on me. Tuk 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 tuk. You know this usually happens when you see someone you want to see after a really long time. But mere case mein mera heart dhak dhak isliye kar raha tha because I was seeing two people I wanted to see, but trust me, not at the same time. Hi. Happy birthday. Thank you. वो मुझे सुजाता ने इनवाइट किया है. Really? वो कौन है? कौन? पता नहीं, होगी कोई फ्रेंड. मुझे कॉल से मिली थी, तुम उस टाइम पे वहाँ नहीं थी. आई थिंक यू वर समवेयर एल्स. देखकर लगता नहीं है कि फ्रेंड्स है. आपको लगता है क्या? रतन आएगा मुझे 9 बजे तक पिक करने. मुझे पता है तुम्हारी पार्टी लेट तक चलेगी, पर आई लीव बाय 9. और तुम ये सब प्लान करके आई. क्यूट. Well, I thought you're here. Have a drink. नहीं, मैं नहीं पीती. Thanks. No, come on. It's my birthday. एक ड्रिंक तो बनता है. नहीं? Hi, Ronnie. Hi. मुझे अपनी दोस्त से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? Of course. कुसुम, सुजाता, सुजाता, कुसुम. हाँ, मिले थे कॉलेज में. Hi. Hi. सुजाता. कुसुम. What? Come, I'll make you meet the rest of the gang. Come, come. It is now time to raise a toast to the man of the hour, Ranbir. Rono meri life mein sabse special hai. Bachpan se hi, he's been one of my closest friends. Kal Ronnie ka birthday hai, aur main bahut jald London wapas ja rahi hu. So maine socha
कि क्यों ना लंदन जाने से पहले रॉनी के लिए ये सरप्राइज बर्थडे बैश होस्ट किया जाए, सराउंडेड बाय ऑल हिज लवली फ्रेंड्स. आई हैव नेवर इन माय एंटायर लाइफ बीन सो क्लोज टू एनीवन. और अगर आप रॉनी के दोस्त हैं, आपको पता होगा कि रॉनी इज होस्ट टू परफेक्शन. गाइस, सुजाता, और एज आई कॉल हर सुजू, मेरे बचपन की बहुत ही खास दोस्त है. We've been together for a while now, and she likes me a lot too. लोगों को तो ये लगता है कि we are already engaged. Come on, guys, it's just a rumor. Suju मेरे बहुत करीब, and she is such a lovely lady. But अभी तक Sujata की finger में engagement ring नहीं. So technically, guys, I'm still f***ing single. Well, jokes apart, मुझे आपसे बात करनी है उस lovely lady की, जिसके लिए यहाँ कोई भी रिंग लेके आने को रेडी हो जाएगा. दैट लवली लेडी इज आवर वेरी ओन कुसुम गांगुली. कहाँ हो तुम? ट्राइंग टू स्नीक अवे. बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे कॉलेज की पहली फीमेल MBBS स्टूडेंट, हमारे कॉलेज में से निकलने वाली पहली फीमेल डॉक्टर. तुम सिर्फ टॉप नहीं करते, यू आर ऑल्सो राइडिंग अगेंस्ट द टाइड. यू इंस्पायर अस. डॉक्टर कुसुम गांगुली, गाइस. ऑलराइट, व्हाट डू वी वांट? डू वी वांट मोर स्पीचेस और डू वी वांट मोर म्यूजिक? आर वी लीविंग? क्या तुम अब भी उसकी डोरमैट बन के पड़ी रहोगी? वी आर लीविंग सुजू. ब्रैट्स, प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन. लोग देख रहे हैं. दिस पीपल, तुम यहाँ कभी वापस नहीं आ रही हो. Listen, तुम सिर्फ उसका एक टिकट हो आउट ऑफ इंडिया के लिए, that's it. He doesn't even. Why are we even standing here? Let's leave. दी, आज अगर नहीं चलोगी ना तो हमेशा के लिए डोमैट बन के रह जाओगी. Let's leave. F**k it. I'm going. Pratt. I'm coming too. तुम सारी लड़कियों को यही बोलते होगे, सेम बातें है ना? Are you stupid? Look around you. मेरी बर्थडे पार्टी पे, सारे कॉलेज के सामने, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के सामने, उस लड़की के आगे जो मुझसे एंगेज्ड होना चाहती, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं. You know I like you. मुझे बस सुजाता से बात करने दो एक बार. आई डोंट वांट टू हर्ट हर. आई डोंट वांट टू बी दैट मैन. सो 5 मिनट के लिए जाके उससे बात करके आता हूं. एक को तो संभाल लिया था. एंड नाउ इट वाज मिशन नेक्स्ट. Oh, f**k's sake. Suju! Come on, Dee, you are not stopping. Dee, just come on. Suju. Dee, just get inside the car. Get inside the car aur uski baat sunne ki koi zarurat nahi hai. Haan, kyun sunne ki wo meri baat? Aur kyun chahoge ki tum ki mujhse baat karun? Ye sara kachra uske dimaag mein tumne to bhara hai. Aur tum, ye tum natak karti ho na? Liberal hone ka, feminist hone ka, please, for God's sake, shut up. You just hate all men and that's the truth, admit it. रॉनी, अब ये सब का कोई फायदा नहीं है. यू नो, मैंने सस्पेक्ट तो काफी टाइम से कर लिया था, बट आज तुमने प्रूव कर दिया. रॉनवी चैटर्जी, तुमने उस लड़की के लिए टोस्ट किया, उसके साथ डांस किया, वाओ, वेरी नाइस. बट तुमने आज तक दी को अक्नॉलेज भी किया है किसी भी बात पे. यू डोंट लव हर. वो तुम्हारे लिए लंदन जाने का सिर्फ एक आसान रास्ता है, यू बिग फकर. वेल, शी हैज गॉट इट ऑल फिगर्ड. गुड जॉब. सो आई गेस She's right. I've used you. But
ये सब कुछ ना मैंने 5 साल की उम्र में फिगर आउट कर लिया, और तुम शायद 3 साल की थी। मैं तभी जानता था कि एक दिन मैं बड़ा होके डॉक्टरी करूंगा और सुजू लंदन में होगी और सुजू मेरा जरिया होगा। Yeah, I was far fucking excited. मैं जानता हूं तुमने ये पार्टी क्यों थ्रो की है। मैं जानता हूं कि तुम मेरे कॉलेज क्यों गई थी इन सब लोगों को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि इसने तुम्हारे दिमाग में घुसाया है कि मैं तुम पे चीट कर रहा हूं, और तुम देखना चाहती थी कि मैं किस किस के साथ तुम पे चीट कर रहा हूं। यू नो वॉट सुजू, अगर ये नहीं भी होती ना कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि असलियत ये है कि तुमने कभी मुझ पे भरोसा नहीं किया। सो अनबिलीवेबल रॉनी, क्या तुम्हारा सच में उसके साथ कुछ नहीं है? जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, नहीं है। तुम ये सजेस्ट कर रहे हो दैट आफ्टर व्हाटएवर वी सॉ देयर तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई कनेक्शन नहीं है? एक मिनट, क्या देखा तुमने? क्या देखा? आई एडमायर दैट गर्ल, हमारे कॉलेज की पहली फीमेल MBBS है वो, मिस फेमिनिस्ट, एंड आई एडमायर अ लॉट ऑफ अदर वुमेन, आई जस्ट डोंट लव देम बिकॉज़ आई लव यू। एंड प्रैट्स, उस लड़की का ना एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप है, उसका बॉयफ्रेंड है। really? उसका कोई सच में बॉयफ्रेंड है? यू आर स्टूपिड, आई विल टेल यू, I'll tell you why. Ronnie. Yes. Yes. Let's get married. Oh my God, Kusum, I can't believe it. उसने तुझे किस किया? किस तो छोड़, वो तुझे सबके सामने प्रपोज करने वाला था। अब तो तू प्रॉम में भी रणवीर के साथ जाएगी ना? He's in love with you. Understand this, Kusum? No, I don't know, Charu. Just so much confused हूँ मैं. मैं नीचे जाती हूँ. रतन आ रहा होगा. I'll see you in college. Do you really believe him, Dee? What about that girl? And where is the guy? Where is the guy? Actually, Prat, turn around. That is Rattan. Kusum ka boyfriend? Suju, can I go drop her? And don't go without saying bye to me, okay? Ratan, Ratan. Look at me, Dee. Fucking legend, Ratan. Fucking legend. Always on time. Saved my fucking life. Hey, Ratan! Hi! रणबीर, पार्टी में क्यों नहीं आया यार? तुमने 5 साल में मुझे किसी पार्टी में देखा? राइट, चल ना एक ड्रिंक पीते हैं, कम। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम काफी खुश लग रहे हो, चेहरे पे लिपस्टिक लगी हुई है। एक्चुअली एक बहुत ही स्पेशल लड़की ने किस किया। गुड फॉर यू। रतन, ऑन टाइम। कुसुम, चलें? दादा सेफली घर तक छोड़ना। जाओ, बाय बाय प्रात। रॉनी, लव यू। लव यू टू। आई हैड वन, जीत गया था मैं। दोनों लड़कियां मुझ पे मेहरबान थी। लाइफ में और क्या चाहिए? किसी ने सच ही कहा, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, और ये मोहब्बत की जंग थी। इस गाने के लिरिक्स कितने स्वीट है ना। सॉरी रॉनी, तुम्हें क्या आने की जरूरत थी? सो टायर्ड, मैं चली जाती अपने आप। स्वीटहार्ट, ये तो सिर्फ एयरपोर्ट है, मेरा बस चलता, तो मैं तुम्हें लंदन में छोड़ के आता। और मेरा बस चले तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए वहीं रखूं, फॉरएवर। ये आकाशवाणी है। एक महत्वपूर्ण सूचना, महामारी बढ़ने के अंदेशे ने सरकार को
कड़े स्टेप्स लेने पर मजबूर कर दिया है। एयरपोर्ट कर्मियों को देश से बाहर जाने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के आदेश दिए हैं। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। ये मुझे भी कॉलरा के लिए टेस्ट करेंगे। मेरी तो फ्लाइट पक्का मिस होने वाली है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकी? देखो, तुम डॉक्टर रणे विश्वास की बेटी हो, डॉक्टर रौनबी चैटर्जी की फ्यूचर वाइफ हो, लंदन में पली बड़ी हो, ये भुखमरी और गरीबी वाली बीमारियां तुम्हें नहीं हो सकती हैं। कॉलरा ऐसी थर्ड वर्ल्ड बीमारी तुम्हें छू भी नहीं सकती है। वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, मगर एयरपोर्ट स्टाफ को कौन बताएगा? मैं? In case you haven't noticed, मैं कन्विंस कर लेता हूँ लोगों को। कुसुम, खाना खा ले। और दरवाजा भी खोल दो। ओ, तुम इशु? थैंक्स, मेरे लिए फूल लाने के लिए थैंक यू सो मच। रतन, इशु काकी माँ, these are for you माशी माँ। So sweet, thank you। जिनको इनकी कदर तो है। शोरपुर पूरे को तो अच्छो। अब प्रॉम पे लोग तैयार होके ही जाते हैं। You are not ready? मैं नहीं जा रही। ओ, तो मैं क्या सोच रहा था, साथ में चले? रॉनी, इज दिस शर्ट ओके? नो, मेरे कवर में सेकंड शर्ट फ्रॉम द राइट सूट करेगा तुझे। एज इफ तेरी शर्ट ट्राई करने से तेरी जैसी किस्मत मिलेगी ना इसे। सीरियसली यार, असल कांड बिली, तेरी बर्थडे पार्टी पे हुआ क्या था? किस किसी और को फिंगर पे रिंग, किसी और को? इसीलिए मैं किस्मत में बिलीव नहीं करता। I see something, I go for it. तूने ड्राइवर को फोन किया ना? या वो नीचे getting the chai. Perfect, boys. I need to change. Wait, guys. तू प्रॉम में जा किसके साथ रहा है? कोई नई लड़की है क्या? थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना वो? I'm just glad सुजाता लंदन में। So guess what? It's gonna be us and a lot of fun. Hey, Indraneel. ये कम्युनिस्ट कलर्स ना हम मतलब लोग पे सूट नहीं करते, चेंज कर इसे। मेरे टेबल पे दो बोटाइज पहन, दोनों लेके। यू डोंट गेट टू पार्टी विद अस। ऑलराइट बॉयज, इट इज टाइम टू रॉनी मूव। रॉनी, आर यू सीरियस? एब्सोल्युटली। चल इंद्रनील, जल्दी कर। इंद्रनील काम, चल चल चल। This is going to be the best bunch ever. Hello. Get up. Get up. Scientific fact hai mere dost. The more drunk a girl is, the more handsome I look.
Mrs. Jones. Mrs. Jones, I must say, you look really beautiful in this dress. Subhash, look at you all grown up, huh? All mature. First year of college, jab tumhe chicken pox hua tha. My mother was so worried about you, it's going to affect your manhood. Enjoy the party. Geek queen and nerd king. Big deal. Thank you. Wow, Kusum. हमने तो पहचाना ही नहीं. You look so different. Thank you. Oh, look, Rona is here. Should we dance? Sure. मुझे मना कर दिया इस देशभक्त बंधु के लिए. You could have done better than that. अभी तो तुम्हारी शाम शुरू भी नहीं हुई है. And you cannot be faithful to your date. How dare you, चारू? तुम भूल गई क्या कल बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था? क्या कुसुम, प्रॉब्लम क्या है? You. मैंने तुझे अपने मन की बात बोली and I just what? रणवीर तेरी प्रॉपर्टी नहीं है. तो जाओ. Give him what he wants. I will. You stay here and protect your virginity. I'm not easy like you. You are a prude. Boring, dried up, virgin. Rakho apni virginity ko taala laga ke. Mujhe apni life jeeni aati hai. I'll show you. Come. Good. बैबी वैन विंकल जो एक बहुत बड़ा विस्की बैरन था उसने कहा था कि विस्की के टेस्ट को खोलने के 16 मिलीलीटर विस्की में सिर्फ 15 मिलीलीटर पानी मिलाना चाहिए, ना ज्यादा ना कम. थोड़ा ऑफ बैलेंस हो जाता है तो टेस्ट खराब हो जाता है. डैड, आपने मंडे कहा था और आज वेंसडे है. Tell me something. Are you sure about this? रोनो तुम्हारी लाइफ में वो सही बैलेंस ला पाएगा? Yes, Dad. I'm very sure. Please tell me कि आपने उसका recommendation letter भेज दिया है. William आज भेज देगा and Ronobi should receive it within a week. Dad, you're the best. I love you. Love you, Dad. Love you, Peter. Bye. No, 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 this is wrong. But I want to be with you. क्यों? ताकि तुम ये जता सको कि तुम रूठ नहीं. किसी और को जताने के लिए.
सकता। शोना और आखिर वो दिन आई व्हेन आई गॉट द रिकमेंडेशन लेटर जो मेरे लंदन जाने का टिकट था। तुम अकेले रहते हो? माँ बाबा को थे? दार्जिलिंग टी एस्टेट है उनके, सिर्फ दुर्गा पूजा पे आते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ अकेले हैं? I love horror films. It's okay. Acha, listen. I'm gonna go use the washroom. Sure. Sharmila? Sharmila? Kusum. Kemon acho? Main bhalo. Wow, you got married? Yes. Congratulations. He is Uday. Uday, you pregnancy wala? No. Uday to bahut achhe husband hai. Nice, good job. Achha ghar. Wo ladka jisne mujhe college mein pregnant kiya tha, wo meri zimmedari nahi le sakta tha. Kusum. ऐसे लड़के ना बहुत मिल जाते हैं, पॉपुलर, हैंडसम लड़कियां जिनके पीछे क्रेजी हूं, उनके साथ एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन जब एक्साइटमेंट जीवन में बढ़ जाती है ना, यू हर्ट योरसेल्फ। पर प्यार का क्या? किसने कहा कि प्यार नहीं है? ये भी तो प्यार ही है। एंड इट्स इनफ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बदल गए हो ना? हाँ? तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम बाकी लड़कियों जैसे नहीं हो जो किसी को छोड़ के जा सके, है ना? तुम ही ने मुझे बता दिया कुसुम। आज 22 तारीख है ना, पीरियड स्टार्ट हो गए? हो जाएंगे 2-3 दिन में। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं, ये टेस्ट तब भी होते थे और अब सिर्फ मेथड अलग है। लेकिन एक चीज का मेथड अब भी नहीं है, टू सी इफ द इमोशन वाज पॉजिटिव। साला उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। चला चला चलो चलो क्या कर रही हो कुसुम? तुमने कहा ना कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है। ये बुक पिक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? I'm pregnant. What? Aisha? हाँ, मैंने ब्लड टेस्ट कर लिया रॉनी। सुनो, किसी को पता नहीं चलेगा, उससे पहले हम शादी कर लेंगे, राइट? हम इतना तो मैनेज कर ही सकते, सबको लगे बच्चा अर्ली है। I'm so happy, we'll be so happy. We'll be happy, right? Ronnie? I don't think this is true. You have to believe.
to abort the fetus right away. Do you understand? Kazol, come on, sweetheart. तुम इस बच्चे को मार देना चाहते हो? Are you? तुम डॉक्टर हो ना? वो बच्चा नहीं है इस समय. For God's sake, it's not even the size of a seed. तुम्हें क्या लगता है? बच्चा हो जाने के बाद life is going to be the same, हाँ? सब कुछ बदल जाता है जब बच्चे होते हैं, समझी? सब ठीक होगा, तुम हम शादी करेंगे. और तुम्हारी डॉक्टरी का क्या? वो कैसे करोगी? एक हाथ में किताब और एक हाथ में बच्चा लेके तुम कॉलेज जाओगी? We'll manage it together. Kusum, my love, you're not thinking this through. तुम कुछ लोगों को गलत प्रूफ करना चाहती थी ना? वो लोग जो लड़कियों को मेडिकल सीट देना एक गलती समझते हैं, समझते हैं कि लड़कियां शादी करती हैं और फिर डिग्री फेंक देती हैं. एंड व्हाट अबाउट योर मदर? उनका क्या? मॉम, आप एक काम करो, अपने सपने भूल जाओ, बिकॉज नाउ सडनली आई हैव न्यू ड्रीम्स. हमारी सर्कमस्टेंसेस अब डिफरेंट है रणवीर. कुछ डिफरेंट नहीं है कुसुम, मेरे सपने हैं. मुझे लंदन जाना है, प्रैक्टिस करना है वहां पर. कुसुम, मेरे सपनों में तुम्हारे लिए जगह है, लेकिन एक बच्चे के लिए नहीं है. We can't have kids. बाद में. बाद में. तुम्हारी पढ़ाई को भी 4 साल बाकी है ना, और मुझे भी लंदन जाना है, स्ट्रगल करनी है, एस्टैब्लिश होना है. जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो मेरे पास आ जाओगी. We'll work together in London. एक secured, bright future होगा हमारा. एक प्यारा सा घर होगा. We'll be so happy. और उस प्यारे से घर में एक प्यारा सा बेबी. मुझे तो हमेशा से एक लड़की चाहिए थी. Just like you. अपने सारे वरीज और स्ट्रेस को अलविदा कहने के लिए मुझे एक आखिरी पड़ाव पार करना था. Thankfully, I knew a fool who could do it in a blink of an eye. हाँ, things we do for love. तो हमें काफी सतर्क रहना, पूरा आधा अरुणाचल प्रदेश का. क्या होगा उसमें? रतन, आ सुनो, कुछ बात करनी है. रतन, हमें तुमसे कुछ कहना है. तुम फिर इसके साथ? What's going on? Buddy, please, that's not important here. सुन, ये जान ले कि it just happened, okay? बस हो गया. What happened? तुमने पहले भी शर्मिला के साथ हेल्प की थी, you know. I need your help. खुद सही नहीं है. सब सही है. One day we're gonna get married और सब ठीक हो जाएगा. हमने सब plan. Married? खूब भालो. ये करेगा तुमसे शादी? हाँ. और मैं और रणवीर we'll go to London together and we'll make a life, Ratan. और माशिमा? वो जाने तुम्हारे London वाला plan? हाँ? तेरे बिना नहीं हो सकता यार. I can't do this alone. Please. तो तू क्या चाहता है? कि मैं कुसुम का abortion करूँ? What were you thinking, कुसुम? टाइम और चौका बता देना. तुम्हारे लिए सब करेगा.
আমি বুঝতে পারি না কি এসা কি আছে গ্রুপ স্টাডিজ মে যে রাত কো তুমি উধার রহনা হ্যায়। মা তুমি বুঝবে না। মা জব বাবা আপকো ছোড়কর চলে গয়ে থে এন্ড ইউ আর প্রেগন্যান্ট উইথ মি আপকে মন মে ক্যা চল রহা থা। তুঝে পহলি বার দেখা ছোটি সি এন্ড আই ফেল ইন লাভ উইথ ইউ মাই বেবি। जैसा कि मैंने कहा था मेरा कन्विंसिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग है। और कुछ यू हैव टू अबॉर्ट द फिटनेस राइट अवे डू यू अंडरस्टैंड। रणबीर आता ही होगा। कुसुम अब और वेट नहीं कर सकते। 5-10 मिनट और प्लीज। ठीक है। रिच का लास्ट दिन है और फिर हॉस्टल भी बंद हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें बहुत आराम की जरूरत होगी। प्लीज ऐसा रिस्क मत लो। तुम्हें घर भी जाना है रणवीर के बिना। मैं हूं ना। शुभो है। वील टेक केयर। कुसुम 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 क्या कर रही हो यार? कहां उम्मीद लगाए बैठी हो? वो फेरी टेल जो मैंने तुम्हें पढ़ा दी थी दैट वॉज अ जोक बेबी। असली लाइफ में प्रिंस चार्मिंग्स लड़कियों की इसी उम्मीद से दूर भागते हैं। पर तुम, आई थॉट यू वर इंटेलिजेंट। सो यू नो व्हाट, उम्मीद और सपने की दुनिया से बाहर आओ वरना ये तुम्हें अंधेरे में खींच लेगी। और उस अंधेरे में तुम्हें ये रियलाइज होगा कि पहला प्यार होता ही दिल तोड़ने के लिए। Is it over? सब ठीक हो गया। अब तुम्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है। वो क्यों नहीं है यहाँ? आया था। अभी अभी क्या है? कुसुम, सो जाओ। You need to take rest. रोनू भी? आ जाएगा। मैं ले आऊँगा उसे। तुम प्लीज आराम करो। अभी अभी सर्जरी हुई है। प्लीज स्टिचेस हिल जाएंगे। इस वक्त मुझे तुम्हारी फिक्र है। And honestly, I don't care where that irresponsible piece of shit is. उसने जरूरी नहीं समझा। वो शर्मिला के लिए था। खुद के बच्चे के लिए। कुसुम देखो। कुसुम, कुसुम। रणवीर के पास अभी ले चलो। रोना, बर्बन। I'm already late, Dad. अभी से जा रहे हो? 4 घंटे बाकी है अभी फ्लाइट में। लंदन की अगली फ्लाइट 4 दिन तक नहीं है। एंड कैलकटा ट्रैफिक, आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। पर इतनी जल्दी की जरूरत क्या है? बाबा कम ऑन। सेमेस्टर शुरू होने में 1 महीना बाकी है अभी। टिकट्स बुक हो चुकी हैं। ठीक है तो मैं फिर से करा लूंगा रोनो। डार्लिंग चल माँ बाबा के साथ एक मिनी हॉलीडे स्पेंड करने लंदन जाने से पहले। बाबा मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई वांट लुक टू माय फ्यूचर। और वो घर जो पता नहीं हमारा है भी है नहीं, उसके लिए मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा? किस चीज से भाग रहा है रोनो? किसी नई चीज की तरफ भाग रहा हूं बाबा। मेरी नई लाइफ मेरा वेट कर रही है। अच्छा ठीक है, एक ड्रिंक लेगा अपने बाबा के साथ? ऑफ कोर्स बाबा, वन लास्ट ड्रिंक बिफोर आई लीव। लास्ट ड्रिंक। कभी सोचा है लंदन में पढ़ाई करके क्या होगा? यहाँ देश में डॉक्टर्स की इतनी जरूरत है, अपने लोगों का इलाज नहीं करोगे? बाबा वहां की लाइफ डिफरेंट है। यहां से सीखकर वहां जाकर अंग्रेजों की गुलामी करोगे? पता है माँ आपके बारे में सही बोलती है।
किसी अलग एरा में फंसे हुए हो। आजादी मिले को 15 साल हो चुके। प्रायोरिटीज चेंज योर प्रायोरिटीज। रोनो मेरी प्रायोरिटीज तो हमेशा तुम्हारी माँ में है। हम दोनों ने अपने डिफरेंसेस बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिए थे। तुम शायद जानते नहीं लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। Oh, good for you. ये जो किसी और की जिंदगी को अपनी लाइफ का मिशन बनाने की आदत है ना, लुक एट मी, आई कांट डू इट। अभी देख नहीं रहा तुम्हें रोनो, शायद मैं ही तुम्हें नहीं सिखा पाया, बट लाइफ विल टीच यू कि लाइफ में किसकी कितनी अहमियत है। एक हार्ट ब्रेक, एक बैड न्यूज, एक बार लाइफ में लॉस ऑफ कंट्रोल सिखा देगा तुम्हें। जीवन इधर का उधर हो जाता है रोनो, जीवन एटा संग्राम, बट लाइफ विल टीच यू वेर आई फेल्ड। आशीष तो पापा, डराओ मत। डरा नहीं रहा हूं रोनो, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब हम ये ड्रिंक एक साथ में पियेंगे। Cheers to that, dad. Until you came back for me and now we're here. Don't disappear. And I've let go of all I had. You held me close and you said. So, Kusum, my darling, तुम्हारा नाइट इन शाइनिंग आर्मर तो भाग रहा था, उसे तुम्हारे बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ था। I don't know कि तुम्हारे दिल में उस वक्त क्या हुआ होगा, but I'm a little curious. Is it really painful? Like physical? दिल के टूटने की आवाज आती है क्या? मैंने अभी सीखा नहीं था, पर तुम्हारे लिए तो उस दिन दो मौतें हुई, एक जिंदगी जो तुम्हारे अंदर पल रही थी और एक जिसके नाम तुमने अपना दिल कर दिया था। All was lost for you, Kusum. मैंने तुम्हारा दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। और टैक्सी में बैठते ही कैसा लगा मुझे? अफसोस? नहीं। गिल्ट? Absolutely not. रिलीफ? जल्दी चलो ना। Yes. मेरी लंदन की फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं अपना सफर शुरू कर चुका था, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज फ्री, लंदन मेरा इंतजार कर रहा था। कुसुम बेबी, तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारी प्रॉब्लम थी। यार तुमने तो अपनी माँ से भी कुछ नहीं सीखा। आई विश कि तुम सीख पाती तो इस वक्त ऐसे टूट नहीं जाती। 1971, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 11 इंडियन बेसिस पे हमला किया और शुरू हुई एक भयानक जंग। बंगाल का हाल बुरा था, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान ब्रेक हो रहा था और दूसरी तरफ नक्सलवादियों ने सारे बंगाल को लाल कर रखा था। जो मूवमेंट एक आइडियलिज्म से शुरू हुई वो कब की वायलेंट हो चुकी थी। नक्सलवादी में कितने ही बागी बनप रहे थे, बाहर भी जंग थे और अंदर भी। इंडिया दोनों तरफ से हारेगा, पाकिस्तान से भी। अरे भाई, और इन नक्सलियों से भी। तुम मेरा बात सुनो, पुलिस आजकल घर के अंदर घुस घुस के इन नक्सलियों को बाहर निकालता है। हाँ। गवर्नमेंट एकदम सख्त हो गया है, एकदम कड़क। दादा ठीक बोला, उधर डाका गिरेगा और इधर पाकिस्तान पूरा पीछे हटेगा। कलकत्ता के कॉफी हाउसेस की पॉलिटिक्स सिगरेट के धुएं की तरह उड़ने वाली थी। असली लड़ाई ग्राउंड पर चल रही थी, जहाँ गरीबों के लिए नक्सल उनके देवता बने हुए थे और रूरल और अर्बन इंडिया के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। एक की असलियत दूसरे की असलियत से मेल नहीं खा पा रही थी। आई डोंट थिंक वॉर होगा। पाकिस्तान का मिलिट्री उनको कंट्रोल करता है। प्रफुल दा एकदम प्रो सेंटर है, बंगाल का कौन सोचेगा। लाल सलाम, 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 ला
विदेशी कल्चर की वजह से तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। साला तुम लोग अभी भी गुलामी करता है, परिवर्तन आएगा। लाल चलाओ, लाल चलाओ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 लाख रिफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान से भागकर वेस्ट बंगाल में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने अब भारी विपदा आ पड़ी है। पाकिस्तान के साथ जंग के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। एक तरफ इंडिया बाहर और अंदर दो जंग लड़ रहा था और दूसरी तरफ कुसुम भी वैसे ही लड़ रही थी। दुनियादारी सीखने की कोशिश कर रही थी, पर मन से कभी भी वो 9 साल पहले की वो वाइड आइड कॉलेज गर्ल थी जिसका दिल बहुत जोर से टूटा था। आज कुसुम अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेने वाली थी। मधु काकी माँ के गुजरने के बाद सिर्फ हम दोनों रह गए एक दूसरे के लिए। वैसे भी अपनी आधी जिंदगी तो तुम्हारे साथ काट चुका हूँ और बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। Will you marry me? रतन, you deserve happiness. Yes, good girl कुसुम, आगे बढ़ो यार, move on. अपनी लाइफ की डोर को पकड़ो, be happy, भुला दो मुझे। अगर भुला सको तो। Yes. की? I'll marry you. बस एक छोटी सी प्रॉब्लम। मैं जानता हूँ हॉस्पिटल में बहुत काम है और तुम शादी के झमेले में नहीं पड़ना चाहती। तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम लोग। मेजर कुसुम, कल सुबह 7 बजे आपको हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है। ओके। डॉक्टर दासगुप्ता, मैं ये सिचुएशन अब अकेले नहीं संभाल सकती। आपको ये समझना पड़ेगा डॉक्टर कि कॉलरा इज एन एपिडेमिक और इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास स्टाफ की कमी है। डॉक्टर कुसुम, काम डाउन। मैंने तुम्हारी बात ऊपर तक पहुंचाई है, तो पेपर वर्क इज ऑलमोस्ट डन और बहुत ही जल्द अ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ कॉलरा विल बी जॉइनिंग आवर हॉस्पिटल। ये आप मुझे कब से कह रहे हैं कि मदद आ रही है, मदद आ रही है? डॉक्टर दासगुप्ता, अगर मदद समय पर नहीं आई और भी जानी जा सकती है। कुसुम, दिस पेशेंट नीड्स अ बेड इमीडिएटली और एक भी बेड खाली नहीं है। वार्ड बी में तो बेड है ना? वार्ड बी बंद है। बंद है? यस। लोग मुझे बंगाल की मैरिलिन कहते हैं एंड आई ऑल्सो फील लाइक हर। वेरी ट्रेजिक। I love my Calcutta, Mona, and my heart beats for it. Madam, ma'am, Manik Da ki nayi picture mein aapka baat ho raha hai. Aap logo ko sab pata chal jata hai na? Very smart. Shima Bodho. It's a lifetime project for me. But you know what? Enough about me. Aaj main yahan inke liye aayi hoon. Ye jo itne dard mein hai, इनका तब मुझसे देखा नहीं जाता। My heart beats for them. आप हमारी मदद करने आई हैं? Very good. We need help. आइए ना। बाहर और भी patients हैं जिनके चेहरे में बहुत सारे smile आ सकते हैं। I don't want to go. But camera यहाँ है। बिना camera के भी काम होता है मैम। चलिए मदद कीजिए। No pictures. क्या हुआ? अब आपका heart beat नहीं कर रहा? असलियत पे से glamour का पर्दा हट गया? Now go stop wasting my time. Dr. Kusum. ये सद नवाज ने बुलाया था डॉक्टर? वो एक्चुअली डॉक्टर कुसुम को अपने पढ़ाई पे और अपने सीरियसनेस पे बहुत गर्व है। उन्हें लगता है अगली सारीज और नो मेकअप उनको मुझसे सुपीरियर बनाती है। बाय डॉक्टर। प्लीज मैडम, वो जो मैं डॉक्टर कुसुम, क्या कर दिया तुमने? सर, हमें मेडिसिन की जरूरत है, कैमराज की नहीं। कुसुम, तुम प्योरिस्ट ना, कभी बिजनेस नहीं समझोगे। तुम्हें लगता है मेडिसिन आसमान से टपकते हैं? मोनालिसा मैडम की वजह से आज शाम के चैरिटी बॉल की सभी टिकटें बिक चुकी है। Now, you better be nice to her. आज शाम को। पर सर, मेरी यहाँ जरूरत है। तुम्हारी जरूरत वहाँ है जहाँ मैं बोलूंगा। कुसुम, इनफ।
क्या लगता है, वॉर होगा? हमें ऑर्डर्स तो नहीं मिले, लेकिन हाँ हालात ठीक नहीं। ज्योति बसु अपने आप को यूथ लीडर मानता है। True. हमारे लिए तो वॉर शुरू हो चुकी है। रेफ्यूजीज, सोल्जर्स, कॉलरा किसी को नहीं छोड़ता। और नक्सलवादियों के साथ जिस तरह पुलिस मारपीट कर रही है, हर रोज हमारे हॉस्पिटल में कोई ना कोई जख्मी आता है। डॉक्टर दास गुप्ता, आपके हॉस्पिटल में नक्सलाइट्स का इलाज हो रहा है, वो हमसे लड़ रहे हैं और आप लोग उन्हें शह दे रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल में इस टाइप का इलीगल काम नॉट अलाउड। डॉक्टर्स आइडियोलॉजी नहीं, बीमारी देखती है। पर हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई इलीगल काम नहीं होता। मोनालिसा। ये मोनालिसा मित्रा है ना? वेल डन डॉक्टर दास गुप्ता। आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं। प्लीज कम। श्योर। दिस वे। आई थिंक सेज हैड द पुअर लाइक अ रिच मूवी स्टार। मानिकता बोले कि ये रोल मेरे सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। मानिकता? मानिकता सत्यजीत रे, हमारा वेरी क्लोज फैमिली रिलेशन है। उन्होंने कहा कि फीमेल डॉक्टर का ये रोल मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। ये सब मेरी ड्यूटी नहीं है यार। लुक एट द ब्राइटर साइड शोना, हॉस्पिटल को फंड्स की जरूरत है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। पता है एक एक टेबल हजार रुपए पे गया है। चैरिटी में ये सब शूशा करने की क्या जरूरत है? यू नीड टू रिलैक्स। रतन का है ऑन कॉल, आएंगे। दरजा खोलो डॉक्टर बाबू। सो क्या चल रहा है तुम दोनों का? वेल सॉरी, इट्स नॉट माय बिजनेस। नो, इट्स फाइन। ही आस्क्ड मी, वी आर एंगेज्ड। व्हाट? फाटा फाटे, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। मैं जानती थी, तुम दोनों को देखकर लगता था यू आर इन लव। लव ना, वो करके देख लिया, उसमें कुछ नहीं रखा है। मैं और रतन वी मो दोस्ती, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियली? लगता है तुम्हें प्यार में धोखा मिला है। दैट्स अ मैटर। मैंने सीख लिया है कि रोने से दर्द कम नहीं होता। यू हैव टू हील। और रतन? रतन हैज हेल्प मी हील। उसने मेरे बिखरे हुए टुकड़ों को उठाकर जैसे जोड़ दिया। दिस इज लाइफ ना, कोई हमेशा आपके साथ हो, यू कैन नॉट इवन सी देम, क्योंकि स्पॉटलाइट तो हमेशा किसी और पे ही रहती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए मोनालिसा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक ग्लास पानी मिलेगा? जैसे हर एक क्वीन को एक किंग चाहिए, वैसे हर एक हीरोइन को भी एक हीरो चाहिए। और मेरा हीरो माय वन एंड ओनली, माय रियल लाइफ हीरो। सो लेट्स कॉल ऑन स्टेज डॉक्टर रणबीर चटर्जी। कुसुम, आई यू ओके? तुम जानती हो क्या उसे? नो। डॉक्टर गांगुली, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। मीट डॉक्टर रणबीर चटर्जी।
लंदन से हमारे स्टाफ को हेल्प करने आए हैं. He is a renowned cardiothoracic surgeon. Hi. I'm sorry. ये हम पहले मिल चुके हैं. जी नहीं. Are you sure? शायद नहीं. वैसे भी मुझे सब देसी लोग एक जैसे ही दिखते हैं. It is a CEO brand out here. डॉक्टर दास गुप्ता, क्या आपको मेरी इंक्वायरीज मिली? हाँ, we can talk about it. You know, आपकी एक ही प्रॉब्लम है. बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, डिलीवर बिल्कुल नहीं करते. हम लोग सब मैनेज करेगा ना, बट अभी हॉस्पिटल का पोजीशन जरा टाइट है. मैं अपनी थ्राइविंग लंदन प्रैक्टिस को छोड़कर यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मोनालिसा इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. अमी जानी, अमी जानी. और हम लोग पूरे पैसे का इंतजाम कर लेगा स्लोली. पर ये तो आपका कंट्री है ना? माय कंट्री इज द यूनाइटेड किंगडम, जहां मैं रहता हूं. डॉक्टर दास गुप्ता, डोंट ट्राई दीज इमोशनल स्पिल्स ऑन मी. ओके, स्कॉच? या श्योर. काफी देर हो चुकी है, मैं चलती हूं. कुसुम अपने अतीत से भागना चाहती थी, पर कैकटा की तरह उसका अतीत भी कहां उसे भूल पा रहा था. ईस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज और नक्सलवादियों के कहर से पूरा कलकत्ता हिल रहा था. जो एक समय इंडिया से आजादी चाहता था, वो अब पाकिस्तान से आजाद हो रहा था. और जंग से थके हारे डरे हुए रेफ्यूजीज इंडिया में दोबारा घुस रहे थे. ईस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री हार मानने को आमादा नहीं थी और नक्सलवादी पीछे हटने को राजी नहीं थे. इट वॉज अ टाइम फॉर कियोस. डर, शक और पैनिक के बीच झूल रहा था कलकत्ता. क्या हुआ इसको? हम महामारी की दवाई लेने गए थे. पुलिस ने हमारा बच्चा सपन पर गोली चला दिया. जाने का समय आ गया है. इतनी आसानी से नहीं. अभी तो बहुत लड़ाई करनी है और बासुदा का गाली भी तो खाना है. डॉक्टर बाबू, जमींदार का बेटा होके तुम हमचादी लोग का जान बचाता है. अपने आप को गाली मत दो बासुदा, आप पे सूट नहीं करता. ग्राम में अवस्था क्या? महामारी फैली हुई है गांव में, इसीलिए दवाई की व्यवस्था करने गए थे. चिंता कर बिना बासुदा, जब तक मैं जिंदा हूँ ना हैजा मारेगा और ना पुलिस की गोली. कुसुम गांगुली, the only female doctor of her class, topper. और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें पहचानूंगा? पुराने दोस्तों से इस तरह छुपते नहीं हैं. We did have a summer fling, but there were a lot of cold nights that I did think about. You know what I mean, right? Hey, कहाँ खो गई? मैं बस ये कह रहा था कि it's been ages since I've been in Calcutta. Maybe you could show me around. No way, Dr. Chatterjee. अरे तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो यार? I thought we could talk. क्या है कहने को कि कैसे I waited for you और तुम टैक्सी पकड़ के चले गए? कैसे मुझे प्रेग्नेंट करने के बाद तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मेरा हाथ पकड़ के बैठ सको? You just ran away. But I was pregnant. आसान होता है तुम लोगों के लिए. पीछे मुड़ के देखा भी नहीं. We were kids and I made a mistake. बहुत बड़ी गलती थी, इसलिए अब सिर्फ एक चीज कहूंगी. थैंक यू. मेरी जिंदगी से चले जाने के लिए थैंक यू सो मच. खोरा ड्रामा को इन आंचू बेब, इट्स द 70s. ये पुराना रिकॉर्ड बंद करूंगी अब. कम ऑन, यू आर स्टिल आ. कुछ जख्म ऐसे होते हैं कि लगता है कि भर चुके, पर जरा सी चोट ने कुसुम के जख्मों को फिर से सुर्ख कर दिया.
उसने सोचा था कि वो अपना कंट्रोल नहीं खोएगी, पर 9 साल पहले जो हुआ उसे भुलाना बहुत मुश्किल था। मॉर्निंग डॉक्टर कुसुम, यू लेट। सिस्टर प्रियंका, मेरे पेशेंट्स को सलाइन दे दिए। डॉक्टर रणबीर नया ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्यों, हमारे ट्रीटमेंट में क्या कमी थी? नर्स प्रियंका, आई एम सॉरी, आप माइंड तो नहीं करेंगे ना मैं आपको सिस्टर नहीं बुलाऊं तो? इट्स जस्ट नॉट माय स्टाइल। डॉक्टर कुसुम, व्हाई डोंट यू टेक द डे ऑफ? मेरे पेशेंट्स इन्फेक्ट हो सकते हैं। मेरे पेशेंट्स? आपकी मसीहा बन के आने के पहले भी हम उनका ख्याल रख रहे थे। सो मसीहा? ए जी, nice to see the two of you working together. Dr. Kusum, dekha tumne kaise ye London se special antibiotics are working? Thank you. But sir, cholera ke liye saline solution is the best. Dr. Kusum, rehydration ek IV fluids ke sath antibiotics zyada jaldi asar dikhata hai. Ye to aap mante hai na ki cholera time sensitive hai, to jo ilaaj jaldi asar dikhata hai wo ilaaj sahi hai. Kusum, cholera ek pandemic hai, jitni jaldi contain kiya jaye utna acha hai. Aur ye naya ilaaj mehanga bhi hai. अच्छी चीजें हमेशा महंगी होती हैं। तो सिर्फ उनकी जान बचनी चाहिए जिनके पास पैसा है। जिंदगी का यही असूल है, मैंने नहीं बनाया, ये दुनिया पैसे पे ही चलती है डॉक्टर कुसुम। ओह माय, हु इज दिस गॉर्जियस गर्ल हियर? चेक करें, मिसेस डेबल। नॉट फेयर, क्या मैं आपको मिस डेबी बुला सकता हूँ? हाँ, इज ही मैरिड? सर, आई एम डॉक्टर रणबीर। आप सैटरडे नाइट क्या कर रही हैं? ही इज फैंटास्टिक ना? सेम ओल्ड रणबीर चार्म, 10 साल पुरानी घिसी पिटी टेक्निक। इतना इंप्रेस मत होइए सर, कुछ नया नहीं है। और ये महानता का नाटक सब नकली, सब फेक। मौका मिलते ही गो टू द बिगेस्ट विडो। वो डॉक्टर कुसुम थोड़ा उत्तेजित हो जाती है। हमेशा से ही उत्तेजित थी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? फोटोशूट। किसके कहने पे? डॉक्टर दास गुप्ता। मोनो, रोनो। डॉक्टर रणवीर सर, लू मैं और क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन ज्यादा मिस्टेक। यू नो हाउ टू फ्लैटर मी। टेल मी समथिंग, कैन आई बी द फेस ऑफ कॉलरा? हाँ, हर पोस्टर पे मेरा चेहरा होगा, मिस कॉलरा। हाउ अबाउट एंजल ऑफ लाइफ? दैट्स मच बेटर। या, आई लाइक दैट। ओह, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। सुदीप्त बाबू, Dr. Ranubir Chatterjee from London. Agarwal Babu, he's a big donor for this cause. आपने इनकी बीवी की जान बचाई थी। Oh, बहुत याद करता है मेरा मिसेज आपको। ये थैंक्स का चेक भेजा है आपके। मैं भी आपकी वाइफ को काफी मिस करता है। ये हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी इवेंट नहीं। हाय डॉक्टर कुसुम, तबीयत कैसी है आपकी? मेरे पेशेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं। देयर इज नो टाइम फॉर दिस ग्लैमर। देयर इज ऑलवेज टाइम फॉर ग्लैमर, है ना मोनो? मेरे मेकअप दादा आए हैं बॉम्बे से, कहो तो तुम्हारा मेकओवर करवा दो। एक्सेलेंट आइडिया। नो थैंक यू सर, ये सब तमाशा कहीं और भी तो हो सकता है ना। थोड़ी देर की बात है, प्लीज मैनेज करिए। शाम को 8 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। प्रियंका,
And now, it's time to beat the sucker. And become rich and famous. क्यों नहीं? Job तो job होती है, और उसका फायदा मुझे और मेरी family को मिलना चाहिए. So ये सब आप अपनी family के लिए कर रहे हैं? Lucky girl, आपकी wife. Of course, she's lucky. मुझे छोड़ के जो चली गई. We are not together anymore. चलो, बच गई. समझदार लगती है. Attention everyone. सिर्फ 30 डॉक्टर्स की टीम और 2000 से भी ऊपर पेशेंट्स. ट्रस्ट मी, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता. आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आप लोगों ने अपनी फैमिलीज को घर पर छोड़कर अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ यहां पर काम किया. एंड वी आर विनिंग दिस वॉर अगेंस्ट कॉलर. सो कंग्रेचुलेशंस. वेल डन एवरीवन. थैंक यू डॉक्टर कुसुम. दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन. Dinner tonight, all of us. You're invited. I'd like to raise a toast. I want to thank each and every one of you. And Dr. Kusum, you were with the patients throughout. Aapki dedication remarkable hai. So, thank you. Cheers. 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 Ye Mona Lisa Sangupta itni badi star hai, pura Bengal is crazy behind her. Aur ye doctor ko aise chupak rahi hai, strange red. Koi naya nahi hai. मैंने अच्छी भली सेंसिबल लड़कियों को उसके पीछे पड़ते देखे. रणबीर चटर्जी मेक्स वुमेन वांट टू फॉरगेट देमसेल्व्स. आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. यू विल लाइक इट. आई एम श्योर. एब्सेंट एनीवन? सम पीपल कॉल इट द ग्रीन फेरी बट आई कॉल इट द ग्रीन डेविल. तुम लोग ही वैसे वाइन भी मंगवाई है. तुम शॉर्ट स्ट्राइप नहीं लगती ना. एक्सक्यूज मी, आप फिल्मी लोगों की आदत होती है हर किसी को टाइपकास्ट करने की. एक्सक्यूज मी, वन मोर प्लीज. पॉइंट प्रूवन डॉक्टर. आपकी मर्दानगी को ठेस पहुंच गई. Madam, may I have a dance with you, please? Oh, yeah, sure. Excuse me. Dance? Nope. Thanks. Sar ghum rahe? Nope. Vomit? Will you shut up? चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ. तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी. तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी. मैं एक ड्रिंक भी नहीं पी, पूरी शाम खराब कर दी. जिस दिन गाड़ी नहीं चलाऊंगा, I promise you I'll get it. Sir, it's okay अंग्रेज, यहाँ कोई नहीं पकड़ता. अंदर नहीं आओगे? Of course. फिलहाल इसे मेरी जरूरत है. मुझे भी तुम्हारी जरूरत है. तो एक काम करो, बैठ जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ
I'll be back. What do you want me to wear? Red? Black? Or mute? Mute's always been my favorite. Okay. Red. I'll see you. पूजा आ चुकी है, नाटक करना बंद करो। You're not as drunk as you're pretending to be. तुम्हें कैसे पता? क्योंकि एक्ट्रेस मोनालिसा, तुमने। क्यों? तुम शायद बिजी हो। रेड, ब्लैक, न्यूड में। मैं चली जाऊंगी। इतनी जल्दी भी क्या? I'm sure Mona can wait for me. मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड हो तुम। ड्यूटी है मेरी। Save it. I don't need it. तुम लंदन कब वापस जा रहे हो? Actually, I'm in no hurry. दासगुप्ता मुझे बहुत पैसे ऑफर कर रहा है। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती है। And thank God for that. It's unfair, you know. तुम यहाँ रुक गई तो ये लोग तुम्हें कम समझते हैं। मैं चला गया तो अब मैं इन लोगों के लिए एक एग्जॉटिक इंपोर्ट हूँ। That's India. आजादी मिल गई पर अभी भी अंग्रेजों के गुलाम है। Well, they call it value addition, but मैं काफी impressed हूँ तुमसे। तुम चाहती तो कहीं भी जा सकती थी। अगर सब चले गए तो यहाँ इन लोगों का क्या होगा? I love your passion. हर किसी के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम नहीं समझोगे। You really hate me, don't you? Thanks. Where's my girlfriend? Baba, I'm too late. Shri, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? सवेरे से तुम्हें याद कर रही है। बाबा को ये दिखाना है, बाबा को वो दिखाना है। मां आप सो जाओ।
I'll take care of her. मिष्टी को माँ की जरूरत है. Not again, माँ. Again माने के? It's the truth. बिन माँ की बच्ची की केयर कौन करेगा? मैं कब तक रहूँ? Good night, माँ. वो ये बात भी पूरी तरह नहीं सुनती. Good girl. Slowly. तुम्हें जानती हूँ, तुम अपनी फीलिंग्स कभी नहीं दिखाते. कॉलर. यस डॉक्टर. आई लीव यू टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप्स व्हिच इज नेसेसरी. कॉलर. कम ऑन, गेट अप. लेट्स गो. वी आर गेटिंग. चलो 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 चलो. Okay, let's go. Rani. No, no. Rani, wait. Get, wait. We have to get another opinion, okay? From who? From the doctor. ये मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे. I know. मुझे बचपन से जानते हैं. ये ऑलरेडी 3-4 टेस्ट कर चुके हैं रोनी. I know. He just called a rock. बहुत देर हो चुकी है. Listen, don't be stupid. कॉल रहा वो गरीबी बुक में. What are you talking about? इंडिया से जगह यहाँ कॉल रन नहीं होता. ओके, लेट्स जस्ट गो. रन रन. कम, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन. इंडिया गई थी पिछले हफ्ते. हाँ, पर इट्स इम्पॉसिबल. यू डोंट नो. मेरे डैड इस हॉस्पिटल के डीन थे. तुम एक डॉक्टर और मुझे बीमारी डरा दिया. शायद तुम्हें इंडिया से यहाँ आने की सजा है रोनी. अगर तुम अभी इंडिया में होती तो ना जाने कितने हजारों की मदद कर रहे होते. अगर मुझे लंदन में रहना था और पर अब यहाँ लंदन में रहकर एक बहुत ही इंडियन मौत हो रही. स्टॉप. ओके, यू आर ओवर रिएक्टिंग. दुनिया में कुछ ही चीज है जिन पे तुम्हारा जाम ना चले. रानी, मेरे पास सिर्फ 3-4 दिन बचे. तुम दुनिया में भी सो? कल रात तक तो नहीं थी. सो यू आर रिएक्टिंग. हैपेंस टू ऑल द पेशेंट्स. देयर आर आई रेड लास्ट वीक इन द गजेट दैट रानी से एक्सेप्ट कर लिया. प्लीज यू एक्सेप्ट इट. I will hate you for the rest of my life, forever. Do you understand? Yes. मुझे हमारा प्यार हमेशा one-sided लगा है. I love you, and I know you love me too. पर तुम्हारा प्यार ऐसा है जैसा किसी दोस्त का. तुमने मुझे I love you कितनी बार कहा रोनी? आज पहली बार तुम्हारे मुंह से आई हुई चीज सुनकर ऐसा लगा जैसे you love me too. और अब अगर मैं मर भी जाऊं ना, I don't care. रोनू, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम अपनी फीलिंग्स कभी नहीं दिखाते. तुम अब अकेले नहीं हो. मिष्टी के लिए जीना है तुम्हें. I know कि तुम्हें अब ये बातें समझ नहीं आ रही है. It's okay, पर तुम्हें ये जिंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट करनी है. But you will have to move on. मेरी यादों से बंधे मत रहना रोनी. तुम्हारे दिल में बहुत जगह. Don't hide it with your charm. अगली बार जब तुम्हें प्यार होगा तो शायद गिल्ट भी होना भी चाहिए. जब भी ऐसे होगा ना रोनी, to promise me कि तुम try करोगी. अगर वो लड़की मिष्टी को
उतना ही प्यार करे जितना कि हम करते हैं, तो तुम ट्राई करोगी। यू विल ट्राई रोनी। मैं चाह रही हूँ रोनी, एंड प्लीज एक्सेप्ट इट। तुम अब मेरी भी लाइफ जियोगे, तुम इश्क़ के माँ भी हो और बाप भी। तुम वो हर चीज करोगे जो हम यहाँ करने आए थे, तुम वो हर चीज करोगे जो हमने साथ करनी थी। यू विल बिकम बिग डॉक्टर, अ बिग बिग डॉक्टर रोनी। प्रॉमिस मी कि तुम ये सब करोगे। किसी और सुजाता को मरने से बचाओ, किसी और मिस्टी को उसकी माँ से अलग होने से बचाओ रोनी। यू डू दैट फॉर मी, प्रॉमिस। और देखो यहाँ अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने आ गया, और इस जिंदगी ने मुझे उसी मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से मुंह छुपा के भागा था मैं। जिस लड़की से इतना बड़ा धोखा किया, जिसे इतने झूठ बोले, उसी के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिंदगी ने। शायद यही करना है। मैंने तो तय कर लिया था सुजो कि तुम्हें दिए हुए प्रॉमिस और तुम्हारी यादों के साथ ही जी लूंगा, पर आज कुसुम को देखकर ऐसा लगा कि शायद लव इज नॉट डन विद मी। वो प्यार जो तुम मुझसे करती थी, वो प्यार जो तुम हमेशा मुझसे चाहती थी, आई कैन गिव दैट लव टू हर, मगर कुसुम को शायद मुझसे कभी प्यार नहीं हो सकता। उसके लिए तो मैं वही आदमी हूं, वो आदमी जिसकी वजह से उसका प्यार पर से विश्वास उठ गया था। वो नहीं जानती कि मैं बदल गया हूं, एंड फ्रैंकली शी डजंट इवन केयर। और करें भी क्यों, आई डू डिजर्व इट। देखो क्या लाया हूं, बॉलर राम मल्लिक के फ्रेश फ्रेश रसगुल्ला। जानता हूं तुम्हारा फेवरेट है, इसीलिए वहां खड़े होके सामने अपने बनवाए। मैं प्लेट लेके आती हूं। एक कॉलेज रियूनियन का इनविटेशन मुझे भी आया है, पर शायद आ नहीं पाऊंगा। क्यों? उस दिन क्लिनिक में बहुत अपॉइंटमेंट्स हैं। ओके। इस नोटिस बोर्ड से ही तो कुसुम की कहानी शुरू हुई थी। आज वो याद करती होगी वो वक्त जहां शी वाज फुल ऑफ होप। आज वो बोली सी कुसुम कहां से कहां पहुंच गई है। शी हैड चेंज्ड। अब वो खुद को जानती थी और दुनिया को भी। फेरी टेल्स हैड टेकन अ रियल टर्न, और रियलिटी ने कुसुम को बहुत सिखाया था। ये जो दर्द होता है वो हील तो हो जाता है, पर साथ में दिल को और पत्थर करके चला जाता है। आज वो भूली वाइड आइट कुसुम, वो बदल चुकी थी। चारू, कुसुम, कुसुम कुमारी, वाओ, कैसी हो? कितनी बदल गई हो। 6 साल में 2 बच्चे और ये तीसरा। हस्बैंड को फैमिली प्लानिंग सिखाना पड़ेगा। वाओ, तुमने काफी मेंटेन किया है। And I heard you still spinster. Yeah, but I'm engaged. माने hitched and fixed? I hate when Paro is right. वो कहती थी ना, ओवर क्वालिफाइड लड़कियों को लड़के नहीं मिलते। लेट मिला, पर अच्छा मिला। It's रतन। देशभक्त बंधु, भालो, वो तो पहले से ही तुम्हारे पीछे पागल था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। We respect each other. वैसे तुम्हारा प्यार किसी एक के लिए रिजर्व था ना? यही प्यार है। Oh my God, Kusum, I need to hide. मेरा क्रश इस हालत में मुझे नहीं देख सका। अरे मैं, bye bye. Who was that? चारू, तुमसे छुप रही थी। चारू who? Anyway, तुम्हारा फियांसे नहीं आया। You mean रतन? तुम्हारा फैमिली फ्रेंड रतन? So you're still confused? कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है या लवर? Shut up. Ah, देशभक्त बंधु रतन. Still मार्क्सवादी? Yes. Still not crazy for money? Yes.
Principled? Yes. Boring? Yes. Shut up. Acha, sorry. Campus rounds? Just like old times? रूपा शुभोदनी हाय अरे मैं ठीक हूँ तुम कैसी हो हैव योर अटेंशन प्लीज थैंक यू हमारे मेडिकल कॉलेज से बहुत स्टूडेंट्स निकले पर एक सेल्फलेस स्टूडेंट वर्ल्ड में अपना नाम कमा के आज हमारे देश वापस लौटा है टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू अस लंदन के बेस्ट हॉस्पिटल्स में काम करने के बाद ही इज डिसाइडेड टू कम बैक एंड फाइट द एपिडेमिक ऑफ कॉलरा प्लीज वेलकम The young, dashing man, Dr. Ronabir Chatterjee. Real Deshbhakt is. Ronabir, well done. Thank you, sir. This is for you. Kusum, I always knew. You and Ronabir make a great pair. I'm engaged. To Ratan. Mrs. Jones? You look stunning, as usual. You've spoiled me, Rana. College ki aakhri saal tak, hum sabko malum hota hai ki hum kis cheez mein specialize karne wale. Kaun si job lene wale hain, kaun si hospital mein kaam karne wale. And I was no different. Maine sirf apne baare mein hi socha. Aur ye soch ki ki is desh mein mera kuch nahi banne wala, main bahar chala gaya. Best hospitals, best jobs, best lifestyle ever. I guess I didn't have faith. Aur shayad isiliye main bhag gaya. Lekin wo log jo yahan reh gaye, toppers hote hue bhi, options hote hue bhi, who stayed back, wo hain is jagah ke asli heroes. Maine sirf lena hi sikha. Is college ne mujhe sab kuch diya, lekin All I did was take. And I never gave back. But Dr. Kusum Ganguly, she has worked for this place, for this country, selflessly. And that's why she deserves this award. Dr. Ganguly, I dedicate this to you. ये कौन सा नया हीरो बनने का अटेम्प्ट है सैक्रिफाइस तुमसे सीखा काफी कुछ नाइस गाय कैन आई हैव दिस डांस या वो जानता है किसको कब कौन सी तारीफ चाहिए रोनोबी नोज हाउ टू हैंडल अ वुमन बेचारी उसकी वाइफ उसे भी यही लगता होगा आई कांट इमेजिन किस इनसिक्योरिटी में रहती होगी सो सैड ना सॉरी हिज वाइफ सुजाता कुछ साल पहले उसकी डेथ हो गई शी हैड कॉलरा तब से ही रोनोबीर ने अपने आप को कॉलरा के इलाज में लगा दिया जैसे कॉलरा से बदला ले रहा हो फॉर हिज वाइफ कुसुम नफरत नहीं करती हो तुम मुझसे तुम ही ने कहा था हाँ नाराज हो काफी पर तुम फील करती हो यू डू तो छुपा रही थी मैं 9 साल से And I was fine.
तुम्हारे आने तक। तुम क्यों वापस आए? खुश थी मैं और एटलीस्ट ट्राई तो कर रही थी। रतन के साथ? तो दोस्त है वो मेरा, एंड आई ट्रस्ट हिम। वो मुझे हर्ट नहीं। This is wrong. तुम्ही के? मैं डॉक्टर बागचे की मंगेतर। ये सब छुपाया तुमने? और इन उग्रवादियों के साथ? उग्रवादी नहीं है, नक्सलाइट्स। गरीब किसान है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और सरकार इन पे लाठी बरसाने के अलावा करती क्या है? डॉक्टर हूं, कम से कम इनकी जाने तो बचा सकता हूं। छुपाया क्यों? भरोसा नहीं है मुझ पे। भरोसा? आई सॉ यू विद हिम, विद रणवीर। मेरी मंगेतर, मेरी तो तुम कभी हुई नहीं ना। रतन, I'm sorry. Don't be. तुमने जान के ये सब नहीं किया। तुम तो मुझे हाँ कह चुकी थी, पर तुम्हारा मन अभी भी वहां लगा। इतना तो तुम्हें जानता हूं, यू आर हेल्पलेस। प्लीज गो। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? सोए नहीं रात भर? नींद अब हमेशा के लिए भाग गई है।
नया नया एंगेजमेंट इज कीपिंग यू अप? रणवीर, तुम काम बहुत कर, कल इतनी लेट से आए और मुझे बिना बताए चले गए? हाँ, कुछ देर रहते मेरे साथ? नॉट फेयर। प्रियंका, टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ काम करें। डॉक्टर रणवीर, Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. Their ground forces are shelling our defense positions in Suleimanki, Emkaran, Punch and other sectors. India-Pakistan war shuru ho chuki thi. दोनों तरफ कैजुअलिटीज हो रही थी, एक तरफ वॉर की वजह से कंफ्यूजन और कियोस बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुसुम को कुछ सवालों के जवाब मिलने वाले थे। एज ऑफ टुडे मॉर्निंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ चुकी है, और ये जंग कहीं दूर पहाड़ों में नहीं हो रही, इट्स हैपनिंग राइट हियर इन आवर नेबरहुड, हमारे बहुत ही करीब। बंगाल इज गोइंग टू बर्न, बट हम सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देंगे। सिर्फ कॉलरा ही नहीं, फ्रंट में जख्मी हुए सोल्जर्स भी हमारे पास आने वाले हैं बहुत बड़ी तादाद में, और हमें उन सब के लिए जगह बनानी होगी कम वक्त में। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन, मेडिसिन सब लिमिटेड हैं। हमने पूरा इंतजाम कर लिया है। पिछले महीने फिल्म स्टार मोनालिसा के साथ हमने जो फोटोशूट की थी, उस चैरिटी से काफी सारे रुपए इकट्ठे हुए हैं। वो सारा पैसा सोल्जर्स के ऊपर लगाया जाएगा। हमारे हॉस्पिटल से कोई भी मरीज लौटाया नहीं जाएगा। ऑल द बेस्ट। कुसुम, कल रात को डॉक्टर रणवीर को उनके आर्मी कॉन्टैक्ट से कॉल आया कि वॉर शुरू होने वाला है। उन्होंने मोनालिसा के यहाँ से सारे चेक्स कलेक्ट कर लिए, सुबह बैंक खुलते साथ ही सारे जमा करा दिए। इनफैक्ट डॉक्टर दासगुप्ता ने जो उनको फीस दी थी वो भी उन्होंने हमारे इमरजेंसी फंड में डाल दिए। अब हमारे यहाँ किसी का इलाज नहीं रुकेगा कुसुम। Isn't he wonderful? सुकून है, सुकून है। इसे 4 नंबर वार्ड पे लेके जाओ, मैं आती हूँ। थक गई? मुझे थकने का क्या हक है? Oh, come on. We are humans. You need to rest. बैठ जाओ थोड़ी देर। मत करो ये कुसुम। क्या? ये एक्टिंग करना, ये प्रिटेंड करना कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं था। मुझसे और खुद से झूठ नहीं बोल सकते। मुझे कुछ नहीं कहना। क्योंकि सब कुछ मैंने ही कह दिया। नहीं कहना चाहिए था। I should have controlled myself. I'm sorry. मत बोलो sorry. मत करो ये सब, ये great doctor Ranveer, the big heart. तुम नहीं हो ये। तुम्हें जो सोचना है सोच लो। मैं जानती हूँ। तुम मसीहा नहीं हो। तो फिर क्यों कर रहे हो ये? तुम वो लड़के हो जो मुझे प्रेग्नेंट कर, मेरा बास्टर्ड, तो तुम वही रहो। डोंट कंफ्यूज मी, आई वांट टू हेट यू। प्यार करती हो तुम मुझसे, एंड यू हेट इट, इसीलिए अपने आप को रोक रही हो। एंड आई लेट यू बी, अगर कभी खुद से सच बोलने की हिम्मत हुई, आई विल बी वेटिंग। जिंदगी ने दोबारा मौका दिया है कुसुम, छोड़ना मत। डॉक्टर रणवीर, आपके घर से फोन आया है। I'll be there. अगर कभी खुद से सच बोलने की हिम्मत हुई, I'll be waiting.
सिस्टर प्रियंका, डॉक्टर रणवीर कहाँ गए? पता नहीं, उनके घर से कॉल आया था, कुछ टेंशन में लग रहे थे और फिर अर्जेंटली निकल गए. नमस्कार, आई एम कुसुम. गांगुली, जाने रणबीर के साथ काम करती हो, मिष्टी को मिलने आई हो. बुखार है इसलिए रणबीर को फोन करके बुला लिया. नाउ दैट यू आर हियर, यू कैन ऑल्सो हेल्प. Bourbon or gin? Sorry, मैं नहीं पीती. Have the gin. Specially London से आई. You're not married? No. मैं रणबीर को कहती रहती हूँ कि it's time to settle down now. Cheers. मैं बच्ची को कब तक संभालूंगी? She's a bright young thing. I keep telling Rono, कोई लड़की ढूंढो और शादी कर लो. इतने सारे proposal आते रहते मेरे पास. वो actress Mona Lisa का भी. But he wants a homely girl. He's very clear in his thought. Agar ab wo doctor hai, to ladki should be a caretaker. Like a nurse. Usne mention kiya hai kaafi bari tumhare baare mein. For him, you're perfect. He knows ki tum uski beti ko apni priority banaogi. And that's what he's looking for. I think main kuch zyada bol gayi. Rono ke baba ke jaane ke baad, उनकी फेवरेट ड्रिंक मैं कुछ ज़्यादा ही पी रही हूँ, बर्बन एंड वाटर. ही वाज सच अ सिंपल मैन, आइस भी नहीं लेते थे. एनीवे, वो तो चले गए. सुजाता चली गई, रोनो इज़ वेरी बिजी, मिष्टी का सब कुछ मुझे देखना पड़ता है. कब तक देखूँगी मैं? आई जस्ट वांट टू बी अ ग्रैंड मदर टू हर, समबडी हु स्पॉइल्स हर. शी नीड्स अ मदर. पता नहीं रणबीर ने तुमसे ये बात कही कि नहीं, बट तुम एग्जैक्टली वो लड़की हो जो कि दूसरी औरत के बच्चे को माँ का प्यार दे सको. आई नो यू मस्ट बी हैविंग योर डब, बट डार्लिंग यू आर नॉट गेटिंग एनी यंगर. एंड यू नो रोनो कलकत्ता का अब भी वन ऑफ मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स है. एनी गर्ल विल बी लकी टू हैव हिम. सो यस, आई थिंक ये अरेंजमेंट अच्छा है सबके लिए, है ना? माय मिस्टेक इज हियर. कुसुम, हाय, सॉरी आई डिडंट नो. हर बात पे सॉरी. मैं चलती हूँ आज जी. कुसुम, अपनी बेटी के लिए मां ढूंढ रहे हो? मुझसे झूठे प्यार के वादे करने की कोई जरूरत नहीं है. तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तुम सिर्फ झूठ बोलते हो. मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे झूठ को सिर्फ सच समझ लेती हूँ. सच अ फूल. यू आर अ फूल इफ यू आर थिंकिंग एनीथिंग एल्स. रणवीर चटर्जी लंदन रिटर्न बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स मिल जाएंगे. मेरे फीलिंग्स के साथ खेलो, बंद करो. कुसुम, कुसुम, कुसुम. हो गया तुम्हारा? हाँ. आई लव यू. प्यार करता हूँ तुमसे. नहीं करते सिर्फ. सुनो मेरी बात, प्लान नहीं किया था ये सब मैंने, सोच के नहीं आया था कि तुमसे प्यार करूंगा मैं. जानता तक नहीं था कि जिंदगी में दोबारा मिलूं. तुम्हें कोई एजेंडा नहीं है मेरा, हिडन प्यार है.
सिंपल प्लेन लव। दादा भाई पूरा हॉस्पिटल जान लिया तेरे लिए और तू यहाँ अकेला बैठ के पी रहा है, मुझे बुला लिया होता। बिल्कुल भी अकेला फील नहीं कर रहा यार, बाबा के साथ पी रहा हूँ। मैंने इंडिया में छुई भी नहीं थी, मौका ही नहीं मिला। यू नो मुझे बाबा की बात सुन लेनी चाहिए थी, मुझसे बेटर जानते थे वो मुझे। उस वक्त बाबा जी ने जो बात मुझसे की थी ना, वो मुझे आज समझ में आ रही है। एक डायग्नोसिस, एक मौत, पूरी दुनिया बदल जाएगी यार। ये सुजाता ना तीनों चीजें एक साथ कर गई और मुझे छोड़ दिया यहां पर लाइफ को रीप्रायोरिटाइज करने के लिए। मैं इंडिया जा रहा हूं कॉलरा से लड़ने। कॉलरा उन लोगों की मदद करने है जिन्हें दुनिया ने बुला दिया है। उस रात जब कुसुम वहां से चली गई, हम दोनों में से कोई नहीं जानता था कि हमारी जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली। मॉर्निंग प्रियंका। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर कुसुम नहीं आई अभी तक? शी डिडंट टेल यू, उन्होंने बॉर्डर पोस्टिंग के लिए वॉलंटियर किया है, वो अभी अभी बॉर्डर के लिए निकली है। कभी कभी सच का सामना करने की हिम्मत नहीं होती तो हम किसी और ही चीज का सामना करने चले जाते हैं। कुसुम नीडेड टू गेट अवे, मुझसे दूर, बहुत दूर, जहां उसे मेरी आवाज तक सुनाई ना दे। कुसुम के जवानों ने सीमा पार कर पाकिस्तानी धरती पर अपना नियंत्रण पा लिया है। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है और भारत में लौंगेवाला की जंग भी फतह पा ली है। मेक श्योर कि हमारे पास मॉर्फिन का एक्स्ट्रा स्टॉक हो एंड सेम फॉर द सूचर्स बैंडेजेस एंड द वर्क्स। ओके, और हाँ, अगर सप्लाईज में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना। मैं राइट मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। I'll see you at the infirmary. जी। जी। जिस गांव में हमारा फील्ड हॉस्पिटल था, उस गांव पे रोग पाकिस्तानी तुकड़ी ने हमला कर दिया और हमारे लोगों को बंदी बना के उन्हें कुसुम का है। कुसुम वही थी ना। टर्म्स ऑफ सरेंडर में ये पॉइंट होगा कि वो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को सही सलामत वापस कर दे। कुसुम पाकिस्तानियों की कैद में, लेकिन हमारे पास भी उनके बहुत सारे बंदे हैं। चिंता का कोई विषय नहीं है डॉक्टर। पाकिस्तान, वो लोग जिनेवा कन्वेंशन को डिफाइन नहीं कर सकते। मैं अकेला ही नहीं था जिसे कुसुम की फिक्र थी, कोई और भी था। क्या करें डॉक्टर वासुदा? प्लीज, कुसुम की जान खतरे में।
मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, जिंदा रहा तो ये सब लौटाता हूँ। तो तुमने डिसाइड किया नक्सलों का असला चुराओगे? मासूदा मुझे जाने दीजिए। गीता सपन बंदूक ले उसकी। मासूदा क्या कर रहे हैं? अकेले जाओगे मारे जाओगे। मगर मैं जाऊँगा जरूर। तुम जाओगे लेकिन हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। मासूदा मैं आप में से किसी को साथ नहीं ले जा सकता, एक जान को बचाने के लिए सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। बंदूक चलाया डॉक्टर बाबू, कमरे में बैठ के गोरिल्ला वॉरफेयर नहीं सीखा जाता। मैं क्या, तुम्हें क्या लगता है ये दो बंदूकें और दो ग्रेनेड लेके तुम POW कैंप में घुस जाओगे? तुमने हमें सिर्फ बंकर्स में बीमार और जख्मी देखा है, हमें कभी लड़ते हुए नहीं देखा, समझे? देखो इन सबको, ये सब तुम्हारी वजह से जिंदा है यहाँ पे। अमित पेट में गोली दागा था, तुमने जान बचाई थी इसकी। जीता कोलर से तुमने बचाया था इसे। सपन अभी भी 26 टाके लगे हुए तुम्हारे डाले हुए उसके सीने पर, और मेरी बेटी पता नहीं कितनी बार तुमने उसकी मरहम पट्टी करी है। हम तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकते, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और उस लड़की को बचा कर लेके आएंगे, समझे? चलो सब उठाओ। जाने से पहले एक और जगह रुकना पड़ेगा। चलो सब। रतन अंदर आ। तुम यहाँ कुसुम के बारे में सुना होगा ना तुमने, बट डोंट वरी शी इज़ फाइन। झूठ बोल रहे हैं सब लोग, कुसुम इज़ इन डेंजर। कर्नल ने तो कहा ना कि उस तरफ से सब वापस आ रहे हैं। तुम्हें अब भी लगता है दैट दे प्ले फेयर? जिस पाकिस्तानी जनरल ने कुसुम के कैंप पे अटैक किया ही इज अ मैड मैन, वो जंग का बदला उनकी लाशों से लेगा। व्हाट, सो वी हैव टू डू समथिंग राइट? तो आर्मी के पास चलते, वो कोई रेस्क्यू टीम करेंगे ना। सीज़ फायर की वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं। सीज़ फायर, मैं कुसुम को ढूंढने जा रहा हूँ। आई थॉट आई लेट यू नो। एक मिनट रतन, मैं भी आ रहा हूँ। तुम अभी लंदन से आए हो, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें कुछ नहीं पता अबाउट हाउ दिस वर्क्स। सुन, अगर तुझे लग रहा है कि मैं यहां रुकने वाला हूं, यू आर रॉन्ग। रतन मैं तेरे साथ आ रहा हूं, सो डोंट फक विथ मी। It was quite an incredible sight, Kusum. रतन और मैं एक साथ उस ट्रक में, एक आदमी जो तुम्हें बहुत प्यार करता था और एक आदमी जिसे तुम बहुत प्यार करती थी। आज कॉलेज के 9 साल बाद आ रहे थे तुम्हें बचाने एक साथ। 1971 की वॉर ने काफियों को डिवाइड किया था, और श्योरली उसने काफियों को यूनाइट भी किया था, अस इंक्लूडेड। आने के लिए शुक्रिया। ध्यान से शहरी बाबू, सीधा देखना और ताक देना।
कुसुम रतन तू कुसुम को लेकर शिकार वक्त बस और तुम बस वो अकेला नहीं संभाल पाया कुसुम डू यू ट्रस्ट मी तो जाओ कुसुम और मेरा इंतजार करना मैं वापस आऊंगा तुम लोग जाओ यहां से इन लोगों को मैं रोकता हूं जाओ तुम जाओ कुसुम आई प्रॉमिस मैं जरूर आऊंगा